उनके साई तेरे रोज़ ते अड़ के साई पानी तेरे रंग रंग अल्लाह रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग अल्लाह तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग 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 माला रंग रंग तेरे 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 रंग रंग अल्लाह तूने अता किया मैंने भुला दिया तूने फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया शुक्र किया तूने और दिया देता ही गया मुंह मोड़ दिए दरियाओं के मैंने हवा तेरे रंग रंग अल्लाह रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग अल्लाह मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसी गर्द से अटा हुआ शिकवा नहीं जिस्म की मिट्टी से पर रूह भी अब बेताब नहीं तेरे हुक्म पे चलना एक तरफ तेरा नाम भी लेना याद नहीं तेरा नाम भी लेना याद नहीं तेरा नाम भी लेना याद नहीं कम से कम मुझको मुझको लौटा दे वो रूह और जिस्म की रंग जंग तेरे रंग रंग 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 अल्लाह मैं जहां भी जाऊं दुनिया में मैं जहां भी जाऊं दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग अल्लाह रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग अल्लाह
रंग क्या समा बांधा है आज आप लोगों को दिल कर रहा है कि एक दफा फिर आज हमारे छोटे उस्तादों ने भी समा बांध दिया है ना। वाह वाह वाह, बड़ा उस्ताद साथ था। वाह माशाल्लाह सतर भाई, कमाल, बहुत कमाल माशाल्लाह। खुदा के खूबसूरत नामों में से एक नाम अल-कहार। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपनी सहरी की ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहते हैं और खुदा के खूबसूरत नाम से इब्तिदा करते हैं। तेरे ही कब्ज़े कहर में है इज्जत इंस, तेरे ही कब्ज़े कहर में है इज्जत इंस, तेरे ही पंजे कुदरत में रुसवाई है। हाय हाय कितना सच है। तेरे ही कब्ज़े कहर में है इज्जत इंस, तेरे ही पंजे कुदरत में रुसवाई है। गजब की धार से तू काट हर कयामत को, गजब की धार से तू काट हर कयामत को, जो मुसलमान की बका पर उमट के आई है। गजब की धार से तू काट हर कयामत को, जो मुसलमान की बका पर उमट के आई है। हर एक जुल्म से तेरी पनाह है अल-कहार, हर एक जुल्म से तेरी पनाह है अल-कहार। तेरे महबूब की उम्मत की ये दुहाई है, तेरे महबूब की उम्मत की ये दुहाई है। हर एक जुल्म से तेरी पनाह है अल-कहार। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप इजाजत दें तो जो सुबह हमने हमारी बेची आयशा आई थी उसका जिक्र जरूर करता चला जाऊं। एक माँ हमारे पास आई, सारिम भाई उसको लेकर आए, और वो पंजाब से है माँ, यहाँ आई अपनी बेटी जिसकी आंखें जो थी वो आपने देखा कि बिल्कुल इस तरह थी जिस तरह के वो खेलने वाले बंटे होते हैं सब्ज रंग के, उस तरह की उसकी आंखें। और हमें नहीं पता था कि उसका इलाज हो सकता है कि नहीं, लेकिन डॉक्टरों ने आगा खान में ये तसल्ली दी कि इसमें कुछ पैसे जो हैं वो रेस कर लें। बिल्कुल। तो इसका ऑपरेशन जो है 5-6 ऑपरेशन इसके होंगे। दोस्तों से अपील की, मुझे लगता है अपील से ज़्यादा जो अमजद साबरी ने दुआ की और उसके बाद जो पाकपतन से दोस्त आए हुए थे, पाकपतन से आए हुए थे लोग, उन्होंने फिर जो मनकबत पढ़ी बाबा जी की, और इसी दरमियान में हमें दोस्तों ने कॉल किया और वो पैसे जो थे वो लम्हों में इकट्ठे हो गए। इन सारे पैसों में हमारा जो हिस्सा है इंशाल्लाह वो अल्लाह उसका भी जज़ देगा। लेकिन मैं इंतहाई ये किसे कहना चाहिए ना, प्राइड के साथ ये बात कह रहा हूँ कि एक जनरल साहब का भी कॉल आया और उन्होंने भी अपना हिस्सा जो है वो डाला है। अगर फौजी जो है वो मुल्क की हिफाजत भी करें और गुरबा की हिफाजत भी करें तो फिर सलाम है जनाब आपको। एक पैकेज ऑडियंस को माशाल्लाह माशाल्लाह खुदा की कसम, जिस तरह उन्होंने अपनी झोली हमारी नोटों से भरी, अल्लाह करे हमेशा जो जिसकी हैसियत ये नहीं देखा, उसने ये देखा कि यहाँ मेरा डालना बहुत जरूरी है अपने हिस्से को। तो मेरा ख्याल है कि एक दफा रिकॉल कर लेते हैं आज कि ये हमारी कामयाबी, मैं इसको समझूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने आयशा को बचाया, मुझे लगता है मैंने मीरप को बचाया। अल्लाह तो एक दफा मैं चल के ये आप लोगों को दोबारा से दिखाती हूँ। चलिए इसका नाम आयशा है और इसकी आंखें ठीक नहीं है, वही मर्ज दिमाग इसका शायद ठीक है, यानी अभी तक ये बोलती नहीं है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। नॉट ओनली कि अपनी औलाद पे हो बट किसी की औलाद पे नहीं देखी जा सकती। अगर आप 10 रुपए भी दे सकते हैं तो आप 10 रुपए भी दीजिए इस बच्ची के लिए, ताकि आपके 10 रुपए से किसी की जान बच जाए, किसी की आंखें मिल जाए। कितनी दुआएं मिलेंगी उससे, उसकी माँ से, उसके खानवादे से। रहीमिया खामे आपको सारिम भाई का कैसे पता चला? हमें मीडिया के थ्रू पता चला था, टेलीविजन पे देखा था हमने। आप लोग इस बच्ची पे अपनी वो नजर करम करें जिसके बाद अल्लाह ताला आप पे अपनी नजर करम करे। मेरी ये बेटी है, मैं यही सोचती हूँ कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। मैं इसका मुस्तकबिल बनाने के लिए, इसकी आंखें ठीक करवाने के लिए, इसका इलाज करवाने के लिए आपसे अपील करती हूँ। जो सारी प्रोडक्शन टीम है रमजान ट्रांसमिशन की, उनकी तरफ से भी मुइन भाई को मैच करते हुए समा के इस प्लेटफॉर्म से हम भी 50,000 रुपए का इस बच्चे के लिए। बाबा फरीद की कवाली सुना दें, फिर देखें कवाली के बाद आपके पास कितने फोन आते हैं। आज आयशा नाम की बच्ची को ये उम्मत जो है वो मायूस ना करे। अल्लाह की रजा के लिए सारे काम आप अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको अजर दे।
इसका जितना भी खर्चा होगा मेरे बंदे जमा करवा देंगे कराची का। बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक कह रहे थे कि मैंने ये खुदा की रजा के लिए किया है, इसका जो इसके अलावा भी खर्चा होगा वो मैं देने को तैयार हूँ। तक पहुंचाने में ताबुन किया है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम सैरी समा के साथ, और अब बारी है बनो समा की आवाज। और आज जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, इनके बाद हमारे पार्टिसिपेंट्स विनर्स फाइनल हो जाएंगे। ओ वाव। और फिर इन फाइनल विनर्स में से हम मजीद फाइनल विनर्स चूज करेंगे। बड़े सख्त जजेस रखे हुए। सही बात है, है ना? सही बात। लेकिन ऐसा करते हैं कि लेकिन इनमें एक जज बहुत अच्छे हैं हमारे, वो नरम दिल भी हैं। हाँ। और अपने बच्चों की तरह बच्चों को समझते हैं, और वो है तबिंदा पा। बिल्कुल। और आज हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। बात यह है कि आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी, आपको पता है मशक़े सुकून चक्की की मशक्कत दोनों चलती है, ये भी चल रहा था जी, तो मेरे कान में आवाज़ पड़ी जी जी, ताबिंदा आपा को याद किया, तो मैंने अली से कहा मैं तुम्हारी भी ऐसे नहीं है, मैं बिलाल भाई और सादिया इमाम की याद कर रही हूँ। अली इमरान के लिए कोई भी नहीं आता? अली इमरान के लिए नहीं आ जाते हैं, ऐसा भी नहीं, वो डरते हैं जो इससे। नहीं, अली भी अच्छा बेचारा। अच्छा है। हाँ ठीक है। ऐसा नहीं, लेकिन ताबिंदा आपा मैं आज चाहूँगी कि आपके होते हुए यहाँ सबसे पहले तो हम चल के कल के रिजल्ट्स देखें। हाँ, प्लीज कल के जो रिजल्ट्स हैं लड़कियों के पहले वो दिखाएं। लेकिन अली इमरान पे गुफ्तगू जारी रहेगी। हाँ, अली इमरान, अली इमरान पे आज गुफ्तगू। मासूम आदमी है लेकिन बस है ऐसे। अच्छा ठीक है, चले जी पैक बिल्कुल अली इमरान का पैकेज देखते हैं मुझे क्या हो गया है। लड़कियों ने कल क्या कमाल कर दिखाया वो कमाल देखते हैं जी। आइए खुदा कद मोमी सरकार के पाया जाता। बनू समा की आवाज के कल के मुकाबले में आपने सुना आईडी नंबर 17 राबिया खान और आईडी नंबर 18 जरमीन फातिमा। आपके वोट्स के मुताबिक आईडी नंबर 18 जरमीन फातिमा पहुंच चुकी हैं हमारे अगले राउंड में। लेकिन देख लो तलफ्फुज़ की गलती है गुले चेहरा। जी जी जी, इंशाल्लाह जब ये कराची आएंगे तो थोड़ा तो वो आप लोगों की भी तो नजरें करम होगी ना, उम्र की भी तो माफी। हाँ नहीं नहीं, वो ठीक है, बच्ची है माशाल्लाह, अच्छी बहुत बच्ची है, बच्ची की जान तो नहीं ले ली ना, इतनी सख्ती तो नहीं कर ली ना, ठीक है। थोड़ा आप भी डराने लग गई बच्चों। आज आपस एक बात और भी कर दी है, ये जो मेरे तीन विनर बैठे हुए इनकी बारी में गाड़ी क्यों नहीं थी, इनको दे दिया उम्रे का टिकट। आप हबीब वालों से पहले ये तो बात करें जो पिछले विनर हैं उनको भी तो गाड़ी दे। दरअसल हर एक का एक मुकद्दर होता है। वाह, तो इनका मुकद्दर आप लिख दे, अल्लाह के अल्लाह भी तो कहता है वसीला मैं बनाता हूँ। मैं नहीं थी। हाँ, वो जब मेरे हस्बैंड हयात थे जी, और 2010 की बात है, तो जब सबसे पहले मैं ही इस टीम में शामिल थी, और मैंने भी बड़ा खुद जल्दी जल्दी वो किया था कि हाँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपने लगाया वो पौधा जो है वो दरख्त बनता चला जाएगा। लेकिन 2012 से 11 से फिर मैं चाहती हूँ कि अब मैं आपको जल्दी से लड़कों के रिजल्ट दिखाऊं कि देखेंगे कौन आगे गया और कौन पीछे रह गया। चलिए चल के देखते हैं। बनो
समा की आवाज के कल के मुकाबलों में आपने सुना आईडी 17 ममनून अब्बास और आईडी 18 हैदर अब्बास को। आपके वोट्स के मुताबिक ममनून अब्बास इस मुकाबले के फातह करार पाए हैं। कैसे करूं तौसीफ में तेरे जमाल की। जी क्या लग रहा है? सही है, बेहतरीन बेहतरीन। बहुत मुश्किल था इसका भी नतीजा, लेकिन बहुत मुश्किल था। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जो तबिता पर लड़कियां भी सिलेक्ट हुई है ना, हम लड़कियों को लड़कियों से मुकाबला कराते थे, मुझे लगता है बहुत सी लड़कियां लड़कों से मुकाबला करने में अगर आ जाए तो लड़कों को भी सोचना पड़ेगा कि किससे मुकाबला कर रहे हैं। छोटी छोटी जो है ना, वो छोटी छोटी बच्चियां जो है, कमाल। पिछले साल के मुकाबले में इस साल बहुत अच्छी बच्चियों की आवाजें जो सुनी मैंने। अब बहुत तेजी से चलेंगे जनाब। अच्छा, बहुत तेजी से आगे की तरफ जाएंगे और अब हमारे साथ मौजूद होंगी फातिमा शहजादी, जिनका ताल्लुक है सियालकोट से और इनका आईडी नंबर है 19। पहले चल के इनका पैकेज देखते हैं, पैकेज के बाद इनकी आवाज सुनेंगे। बानो समा की आवाज की हमारी आज की कंटेस्टेंट फातिमा शहजादी हैं, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है। 18 साल फातिमा शहजादी सेकेंड ईयर की तालिबे इल्म है। फातिमा पढ़ाई के साथ साथ नाथवानी का भी बहुत ज्यादा शौक रखती हैं। फातिमा ने मुख्तलिफ नातिया मुकाबलों में कामयाबी हासिल की है और अब इसकी मंजिल बानो समा की आवाज है। मैं फातिमा शहजादी सियालकोट से हूँ। मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मुझे बचपन से ही नाते पढ़ने का शौक है। मैंने मुख्तलिफ कॉलेज और स्कूल में बहुत सारे मुकाबलों में इनाम जीते हैं और ट्रॉफीज जीती हैं। फातिमा शहजादी की वालदा का कहना है कि फातिमा बचपन ही से नातख्वानी कर रही हैं और अब वो अल्लाह ताला से दुआ करती हैं कि उन्हीं की बेटी बने समा की आवाज़। मेरी बच्ची को नातख्वानी का बहुत शौक है और वो घर में भी पढ़ती रहती है और बहुत अच्छी नाते पढ़ती है, सबको बहुत सुरूर आता है पढ़ने सुनने में। आइए चल के सुनते हैं फातिमा शहजादी की नात। फातिमा शहजादी की आईडी है 19। मैं उनकी सना का सलीका कहां सरा
शफाए आसियां बेकसों आप आपसे पहले कमेंट लें कि आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत बड़ी आवाज़ है, लेकिन वो इतना अच्छा पढ़ रही थी अंतरे में उसने स्केल चेंज किया पहली दफ़ा में। वो अस्थाई उन्होंने ऊपर उठाई, इस वजह से उनका अंतरा चेंज हो गया। और सेकंड टाइम उसने ठीक कर लिया, लेकिन पहली दफ़ा में तो वो कर लिया। फातिमा शहजादी दिल बिल्कुल छोटा नहीं, छोटा नहीं है इस बात पर, क्योंकि ये जो फैसला है ना, ये हमारी ऑडियंस के सामने है, ठीक है, ये हमारे असाज़ा बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, जो लोग आ रहे हैं हो सकता है उनको ये बात समझ भी ना आई हो, सीरियसली वो इतने गुम हो गए हो हमारी तरह, जैसे हम बैठ के। अच्छा तो क्या हम नहीं समझे कि ये जो हम ऑडियंस से फैसला लेते हैं, क्या इसमें किसी की अकलफी हो जाती? ये डेमोक्रेसी आपा, डेमोक्रेसी, और जैसी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ, चलने दो भाई। चले जनाब अली, अमजद है हमारे साथ। हाँ जी, ले जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई, सहरी कौन लाएगा? अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई, ये फोन पे तो सहरी आने से रही, वो तो आपको आकर लानी पड़ेगी ना। जी जी भाई, बिल्कुल आके लेके आऊंगा सहरी, इंशाल्लाह बिल्कुल लेके आऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, तशरीफ लाइए हजरत, आपको बहुत खूबसूरत आवाज सुनने को मिलेगी। कॉम्पिटिशन लगता है की वाकई बड़ा टफ है। आज ताबिंदा आपको बहुत मिस करी क्योंकि वो हमारे साथ है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी ताबिंदा आपा की बात सुनी और मुझे अच्छा लगा कि ताबिंदा आपा ने फौरन वो गलती पकड़ी जो मैं पकड़ता हूँ, और फौरन इस बच्ची का जो शहजादी है, माशाल्लाह आवाज बहुत प्यारी है, बहुत जान की आवाज है, लेकिन थोड़ी सी जरा सुर वो चेंज कर गई। लेकिन और बिलाल भाई आप कैसे हैं, आप कैसी है सादिया? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अमजद भाई आपके बगैर जो है ना वो हम मुकम्मल बिल्कुल मुकम्मल भी नहीं सर, इंशाल्लाह 13 या 14 रोजे से तो मैं साथ में ही हूँ ना इंशाल्लाह। एक बात तो तय है, जो आप इफ्तार में कर गए ना, जो आप झोलियां भर गए, जो आपने वास्ता दे दिया, वो बस कमाल हो गया। आपकी बात कितनी सही थी कि आप कलाम सुनिए पाक पतन के आए हुए मेहमानों का, और बाबा फरीद ने दुआएं कबूल करवाई और पहुंचाई, और अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर खैर और बरकत दे कि वो जो बच्ची थी उसके लिए पैसे ही सिर्फ अरेंज नहीं हुए, हमें हमारे पास उससे ज्यादा पैसे जो है वो आ गए, जो कि इंशाल्लाह ताला उसकी मेडिकेशन के लिए भी काम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सदका। मैं आपको बता दूं, वो जो एक शेर उन्होंने पढ़ा ना, मैं ऐ भी नहीं उड़ता फिरदा वहां, एक करम साबिर से पीर दा है, और ये वाकई साबिर के पीर का करम है, खुदा की कसम का इतना इतना फैज है कि बस मैं आपको क्या बताऊं। बेशक है, बेशक। बहुत शुक्रिया अमजद भाई हमारे साथ फोन पे ही, कम से कम हमें ये एहसास हो रहा है कि अमजद भाई यहाँ मौजूद हैं, है ना। चले जी, अब अगली जो मेरे साथ मौजूद होंगी वो अतीका अशरफ है चकलाला से, और इनका आईडी नंबर है 20। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि फातिमा शहजादी को वोट करने के लिए आपने करना क्या है ना, बेचारी ने इतनी अच्छी नात पढ़ी और इतनी खूबसूरत, वो और बात है कि आपने दो गलतियाँ पकड़ ली, कोई बात नहीं, फातिमा शहजादी, उसके बाद सेंड कर दीजिएगा 8126 पे। आपके ही वोट सब फैसला करेंगे कि फातिमा यहाँ तक आती है या फातिमा फिर सियालकोट में ही रहती है। आप लोगों के फैसलों आप लोगों के वोट से फैसला करते हैं। अतीका अशरफ होंगी मेरे साथ चकलाला से, जो कि लाहौर से हम उनकी आवाज़ को सुनेंगे, और इनका आईडी नंबर है 20, यानी कि 20। तो पहले चल के अतीका का हम पैकेज देखते हैं और उसके बाद हम उनकी आवाज़ सुनते हैं। समा की आवाज की हमारी आज की कंटेस्टेंट है अतीका अशरफ, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। अतीका बचपन ही से नातख्वानी कर रही हैं और कहती हैं कि नातख्वानी उन्होंने अपने सीनियर नातख्वानों को देखकर पढ़ना सीखी है, और अतीका बहुत ज्यादा खुश हैं कि वो समा के इस ग्रैंड मुकाबले में सिलेक्ट हो गई है। मुझे बचपन से ही नातख्वानी का बहुत शौक था, और अच्छे और नामवर नातख्वानों को सुनना मेरी हॉबी है। इन्हीं की नाते सुन सुन के मेरी आवाज़ में निखार पैदा हुआ है, और मेरी उम्मीद है कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट करेंगे तो मैं बन जाऊंगी समा की आवाज़। अतीका के भाई का कहना है
हैं कि अतीका घर में सबसे लाडली हैं और वो दुआगो हैं कि अतीका ही बने समा की आवाज़। मेरा नाम मोनिशा है, अतीका मेरी छोटी बहन है, बहुत लाडली है। हम इसे बहुत प्यार से सिखाया है। हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा खूब से खूब मेहनत करे और लोगों में अपना नाम बनाए। मैं अतीका का बड़ा भाई हूँ। मेरी आपसे अपील है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें ताकि ये बन जाए समा की आवाज़। अतीका अशरफ की आई डी है 20। सफदर भाई से पहले सफदर भाई आप क्या फरमाइएगा? बिलाल भाई माशाल्लाह आपा मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में क्या हम बयान दे सकते हैं? आपा इतनी खतरनाक थोड़ी है भाई। नहीं, सीनियर तो माशाल्लाह आप हैं। असल में ये जो जिस माहौल में इन्होंने पढ़ा है, ये एक तो बहुत खूबसूरत माहौल है और जितना मुझे मालूम है, जितनी नॉलेज मुझे, इसको मियाँ की टोड़ी कहते हैं जिसमें इन्होंने ये कलाम पढ़ा है। तो गले में इनकी जगह तो है लेकिन ये संभाल नहीं सके, संभाल नहीं पाए इसको। और इनको तलफ्फुज़ पे भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ताबा खुसरुबे में भी इन्होंने शायद कुछ गलत बोला है, वो गलत जुमला हो गया था। हाँ, इसमें बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। पहले ये नीचे के सुरों में इन्होंने सुर छोड़ा जी, बिल्कुल, और फिर ख्याल ये था कि ऊंचे के सुर में ये कंफर्टेबल है, लेकिन जब ये ऊंचे सुरों में आई तो फिर भी इन्होंने जगह छोड़ी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपकी रेंज बहुत है लेकिन वो उनको संभाल नहीं पाई। अच्छा जी, मैं जल्दी से बता दूं कि अतीका अशरफ को वोट करने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन पे जाना है, लेकिन SKA, उसके बाद स्पेस दीजिएगा, इनका आईडी नंबर है 20 यानी कि 20, उसके बाद अतीका अशरफ इनका नाम लिखिएगा और भेज दीजिएगा 8126 पे। बहुत तेज़ी के साथ हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बनो समा की आवाज़ का ये जो कंपटीशन है ये जारी है, अभी लड़कों की बारी है और देख रहे हैं कि क्या होता है, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वापस आ चुके हम और जिन लोगों ने इस वक्त टीवी सेट ऑन किए हैं उन्हें हम समा की सहरी में खुश आमदेद कहते हैं। बनो समा की आवाज़ का कंपटीशन जारी है, लड़कियों की बारी ख़त्म, अब बारी है लड़कों की। शराफत हुसैन हमारे साथ होंगे अहमदपुर से, रहीम यार खान से इनका ताल्लुक़ है, और नहीं रहीम यार खान से ये पढ़ेंगे जी। अच्छा मेरे पास शराफत हुसैन का पहले, तो कोई बात नहीं, बात तो एक ही है। मोहम्मद नदीम का आवाज़ पहले हम सुन लेते हैं, मोहम्मद नदीम और उनका पैकेज देखेंगे। वो हैदराबाद से होंगे हमारे साथ और कराची में मौजूद है इस वक्त, और इनका जो आईटी नंबर है वो है 19। पहले चल के मोहम्मद नदीम का पैकेज देखते हैं। बनो समा की आवाज़ के हमारे आज के कंटेस्टेंट नदीम, जो हैदराबाद के रिहायशी हैं। नदीम बचपन से ही नातवानी करते आ रहे हैं और खूबसूरत आवाज के मालिक हैं। तो मैं समा टीवी का बहुत मशहूर हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझ जैसे नाचीज को इतने बड़े पैनल पर इन्होंने लाकर और मुझे समा की आवाज बनने का मौका दिया। नदीम के घर वाले भी बेहद खुश हैं कि वो इस कॉम्पिटिशन में सेलेक्ट हुए हैं। घर वाले दुआ करते हैं कि नदीम ही बने समा की आवाज, इन्हें वोट देकर बनाए कामयाब, यही बनेगा इंशाल्लाह ताला समा की आवाज़। बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम चाहते हैं ये बने समा की आवाज़। आइए सुनते हैं नदीम की आवाज़। मैं ही बनूंगा समा की आवाज़। इनकी आईडी है 19। पत्र मांगे जो कोई दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आपने जब से किसी चौकट पे बिछाया ही नहीं, मैंने दामन किसी चौकट पे बिछाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सारों जहां में नजर आया ही नहीं। बहुत आप लोगों के कमेंट्स बाद में लूंगी, बहुत तेजी से जाना है क्योंकि वक्त बहुत कम है। तो मेरा ख्याल है कि अब हम चल के जल्दी से शराफत हुसैन को, आप जा सकते हैं, बहुत शुक्रिया, शराफत हुसैन को सुनेंगे और इनका ताल्लुक रहीम यार खान से, और इनका आईडी नंबर है 20। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताते चलूं कि मोहम्मद नदीम को वोट करने के लिए अपना राइट ऑप्शन के अपने मोबाइल पे जाना है और लिखना है BSK स्पेस दीजिएगा, इनका आईडी नंबर लिखिएगा 19, इनका नाम लिखिएगा मोहम्मद नदीम और भेज दीजिएगा 8126 पे। चलिए चल के अब शराफत हुसैन का पैकेज देखते हैं और उसके बाद उनकी आवाज़ सुनते हैं। समा की आवाज के हमारे आज के कंटेस्टेंट हैं शराफत हुसैन, जो रहने वाले हैं अहमदपुर शर्किया के। कंपटीशन में सिलेक्शन पर शराफत बेहद खुश हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो ही बने समा की आवाज। मैं अहमदपुर शर्किया का रहायशी हूँ और मैं समा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे समा ने यहाँ तक आने में बहुत मदद की। शराफत के वालिद भी बेहद खुश हैं
के उनका बेटा इस कंपटीशन में सेलेक्ट हो गया है और उन्हें उम्मीद है कि वो ही बनेंगे समा की आवाज। ये बचपन से ही इसको काफी शौक था, छोटी छोटी महफिलें होती थी नात खाने की, सुना गाने की, ये सबसे पहले वहाँ पहुँचा होता था। बड़े शौक से ये, बड़े तवज्जो से, लगन से ये सुनता और उसी से, वहीं से इसको शौक पैदा हुआ कि मैं भी नात खाने का। आइए सुनते हैं शराफत की आवाज, इनकी आईडी है 20। कभी हजूर कहें कहें मुझे से गुलाम आ जा, कभी हजूर कहें कुछ दिन तेरा कयाम आ जा, तेरी जहां में पजीराई चार सू होगी, तेरी जहां चार सू होगी, दरूद दिल में जुबां पर लिए सलाम आ जा, तड़प रहा मदीने की तू जुदाई से, खूब शराफत हुसैन आपने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं जल्दी से आपको ये बताऊंगी कि शराफत को आपने वोट करना है तो अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन पे जाना है, लिखना है BSK स्पेस दीजिएगा, इनका आईडी नंबर है 20, इसके बाद इनका नाम लिखिएगा शराफत हुसैन और भेज दीजिएगा 8126 पे। बहुत तेज़ी के साथ हम जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर दोनों के लिए कमेंट्स एक साथ लेंगे कि जनाब इनकी कहाँ गलतियाँ थी और कहाँ इन्होंने ठीक ठीक पढ़ा। तो लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर समा शहरी में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं और बनो समा की आवाज़ का भी कॉम्पिटिशन चल रहा था जिसमें बिलाल भाई हमने शराफत हुसैन और मोहम्मद नदीम को हमने सुना था। मेरे ख्याल में अगर जी आपसे कमेंट लेते हैं दोनों लड़कों के बारे। बिलाल भाई नदीम साहब ने जो भी कलाम पढ़ा है और माशाल्लाह इनकी आवाज़ एक तो बहुत खूबसूरत आवाज़ है और इनके गले में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो इन्होंने जगहों में जल्दी की है लेने में और जहाँ इनको ज़रूरत नहीं थी जगह लेने की वहाँ भी इन्होंने बहुत सारी जगहें ले ली, वो उनके गले में गुंजाइश है। जगह बनाते हैं जिस तरह के केक के ऊपर आइसिंग करती हैं, वो जरूरत है अगर आपको हर वक्त जगह बनाते रहे इनके तो जगह की कोई, लेकिन आवाज माशाल्लाह इनकी बहुत खूबसूरत, आवाज की रेंज बहुत। और दूसरे जो आपके जो अहमदपुर शर्ती से थे उनकी आवाज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और उनका इंतखाब बहुत खूबसूरत था। उनको थोड़ा सा लफ्जों के ऊपर गौर करना है कि लफ्ज की जब मैं अदायगी करूँ, ये जब भी जहाँ जहाँ के लोग रहने वाले होते हैं तो उनका तलफ़ुस अपना जो ओरिजिनल अपनी ज़मीन का होता है वो भी झलकता है, लेकिन क्योंकि आप कलाम पढ़ रहे हैं उर्दू में या पंजाबी में जिसमें भी थी तो आपको जी उस अदब का भी बड़ा ख्याल रखना। लेकिन नातवानी में ख़ासतौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए तलफ़ुस का, क्योंकि अक्सर मैंने नातवानों को सुना है वो आका का तलफ़ुस आका कर देते हैं, वो इसमें बड़ा ख्याल रखना। मुझे बड़ा मोहम्मद नदीम का जब हम पैकेज देख रहे थे तो उन्होंने वो नात का स्टार्ट किया था कतरा मांगू, कमाल नात थी, आपने बहुत
खूबसूरत पढ़ते, काश आप वो यहाँ पढ़ते तो झूम झूम जाते, लेकिन जो आपने पढ़ा वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन नदीम भाई, खास तौर पे आपसे और बाकी तमाम लोगों से भी, वो तबिंदा आपा ने कहा था कि अली इमरान बहुत मासूम है, तो रमज़ान के दिनों में मतलब पकड़ना हो जाए हमारी, अल्लाह ताला आपकी भी इस पर पकड़ना कर ले, इसलिए हम दुआ गो हैं कि रोज़ों के अंदर कम अज़ कम हमें सच बोलना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि सच ही बोला है मैंने, सच है, लगता तो मासूम ही है भाई, वो है मासूम। मेरा ख्याल है कि मैं जल्दी से शराफत हुसैन साहब का एक दफ़ा फिर आईडी नंबर बता दूं, और मोहम्मद नदीम साहब का, मोहम्मद नदीम साहब का आईडी नंबर था 19, और मैंने आपको बताया था इनको आपने किस तरह वोट करना है, आपने अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन पे जाना है, BSK स्पेस देना है, इनका जो आईडी नंबर है वो लिखना है, यानी कि 19, इसके बाद इनका नाम लिखिए मोहम्मद नदीम और सेंड कीजिए 8126 पे। इसी तरह शराफत हुसैन साहब का आईडी नंबर है 20, और सेम यही तरीका भी जो है वो इनके ऊपर भी लागू होगा। तो मेरा ख्याल है कि अब अगर सफदर भाई मौजूद है तो सफदर भाई आपसे दरख्वास्त है एक कलाम की। बिलाल भाई, बहुत ही मुख्तसर नात के मैं जी बिस्मिल्लाह दो मिसरे पेश करूंगा। खल्क के ताजदार क्या कहना, खल्क के ताजदार क्या कहना, रहमत किरदिगार क्या कहना। उस्ताद सिद्दीक़ जाफ़र शहीद का कलाम है, इसी से इसको मैं जोड़ रहा हूँ कलाम को, उसकी रदीफ काफिया गो के अलग है। जब बुलाए तुझे इमाम तो फिर, जब बुलाए तुझे इमाम तो फिर, सर को गर्दन पे बार मत कीजो, और जिससे राजी न हो अलीयुबतूल, जिससे राजी जिससे राजी न हो अली युबतूल, जिससे राजी न हो अली युबतूल, वो रविश इख्तियार मत कीजो, वो रविश इख्तियार मत कीजो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो अब जो जो आपने पढ़ा, आपने देखा जगह जब बना रहे थे उस्ताद है जाहिर, तो वो जगह वहाँ बनानी थी जहाँ वो सजी, फिर उसके बाद नहीं जगह बनाई, लेकिन नीचे के सुरों में रहना सफदर मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल है ये नीचे के सुरों में रहकर और सुर को कायम करना बहुत मुश्किल काम होता है। ज़्यादा जोर किस पे दे रहा होता है पढ़ने वाला कलाम जो है, वो कलाम के ऊपर या लफ्ज़ों के ऊपर या अपने सुर को मेंटेन या लय को क्या कर रहा है? अच्छा पढ़ने वाला जो है वो हमेशा कलाम की रूह को जो है बरकरार रखता है, जो कलाम की रूह है, रूह समझना है कलाम, हाँ, बगैर समझे कलाम पढ़ेंगे, हाँ, तो वो नजर आएगा, वो नजर उसका उसका काम तलफ्फुज का, जो समझदार पढ़ने वाले हैं वो तलफ्फुज, उसके बाद फिर सबसे आखिर में नंबर सुर का आता है, वो जगहों का, सॉरी जगहों का नंबर सबसे आखिर में आता है, तो बेसिक ये है कि इसकी रूह बरकरार रहे, इसका रूह कायम रहे। जी ताबिंदा, ताबिंदा आप भी कमेंट दीजिए बच्चों पे जो आपने आखिर में दो लड़के सुने। सफदर ने कहा कि एक मिसरे में छह लफ्जों पे जगह नहीं बनानी, ये सारी बातें उन्होंने बिल्कुल सही कही। जो पहले वाले थे उनके कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा था, लेकिन जगह गैर जरूरी ले ली। दूसरे वाले साहब को कलाम पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा था, लेकिन कलाम के इंतखाब में बहुत शुक्रिया। छोटे से वक्फे में जाएंगे, वापस आएंगे और इंशाल्लाह ताला दीन की बात आज
موضوع بہت خوبصورت ہوگا اور وہ ہوگا نفس. کہیں یہ نہ سوچیے گا ہر چیز شیطان کراتی ہے, آپ خود اپنے بہت سی برائیوں کے ذمہ دار ہیں. واپس آتے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ علماء سے بات کرتے ہیں. طب نبی ہمارا سیگمنٹ ہے, طب نبی میں ہم ڈاکٹر عیسیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ بتائیں گے آپ کے مسائل کا. جی ناظرین, ہم آج تین ریسیپیز بنا رہے ہیں, تھائیروڈ کے لیے بنا رہے ہیں, انوانٹیڈ ہیئر کے لیے بنا رہے ہیں اور ویٹ لوز کے لیے بنا رہے ہیں. گڈ. سب سے پہلے ہم تھائیروڈ کے بارے کے لیے بتا دیں آپ کو, دو چیزیں آپ نے لینی ہیں. کستی شیری ہیں, یہ ہم ڈال رہے ہیں ایک ٹی اسپون, اور اسگن ناگوری ہے. اسگن ناگوری, اسگن ناگوری ٹھیک. بیسیکلی انڈیا کا ایک شہر ہے ناگور, یہ وہاں زیادہ پیدا ہوتی ہے, مشہور ہے اس کے لیے. اچھا جی, یہ دونوں چیزیں آپ ہم وزن لے کر آپ بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں, اور اس کی خوراک جو ہے 1 ٹی اسپون صبح 1 ٹی اسپون رات میں آپ سادے پانی کے ساتھ لے لیں. ٹھیک. اور جو تھائروسن لے رہے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں, انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد ان کی اس ٹیبلٹ سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور یہ 6 مہینے میں کیور کر دیتا ہے. صحیح. ہم سیکنڈ ریسیپی بنا رہے ہیں انوانٹیڈ ہیئر کے لیے. اچھا. اکثر لڑکیوں کا ہوتا ہے کہ وہ یہاں بال آ جاتے ہیں, چن پہ بال ہو جاتے ہیں یا اور بھی کہیں اگر ایکسس ہیئر ہے. اچھا, اس میں ذہن میں رکھیے گا, جن بچیوں کے جن بہنوں کے سائیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ اس کی ٹریٹمنٹ ضرور کریں, کیونکہ یہ بھی ایک وجہ بنتا ہے. اچھا جی, یہ ہم لے رہے ہیں جو کا آٹا ہے, 1.5 ٹی اسپون ہم نے جو کا آٹا لیا ہے, اور اس میں ہم ڈالیں گے آدھا لیمن. صحیح. ٹھیک ہے جی, آدھے لیمن کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 3 ٹی اسپون شہد. اور اصلی شہد ہونا چاہیے, اصلی شہد گرین روٹ کا. گرین روٹ کا, گڈ. اچھا جی, یہ آپ پیسٹ بنا کر آپ فریش بنائیں گے, جب آپ نے لگانا ہے اسی وقت اس کو بنائیے. صحیح. اور اس کا پیسٹ جو ہے فیس پہ, جہاں جہاں بال ہیں, اور اس کو 30 منٹ چھوڑ دیجئے. اس کے بعد اس کو ہلکا ہلکا اسکرب کریں لائٹ ہینڈ سے, اس کو اتار کر فیس واش کریں. صحیح. انوانٹیڈ ہیئر کے لیے بیسٹ ریسیپی ہے اور آسان ہے. یہ آسان گھر کی چیزیں ہیں, مطلب یہ ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو وہ چیزیں بتاؤں. ویٹ لوز. اچھا, یہ بڑا اہم ہے وزن کم کرنے کے لیے. آپ ذرا نوٹ کیجئے گا, ہم انگریڈینٹس دکھا رہے ہیں آپ کو. یہ سنا مکی کا پاؤڈر ہے. سنا مکی کے ساتھ جو باریک ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ چھوڑ دیا کریں, پتوں کو لے لیا کریں, کیونکہ سنا مکی کی ڈنڈیاں پیٹ میں جو ہے وہ مروڑ پیدا کرتی ہے. تو سنا مکی کے پتی جو ہے اس کی پاؤڈر بنا لیں. 20 گرام سنا مکی لے لیں, اور سونف آپ 20 گرام لے لیں. صحیح. ہرا پودینہ جو ہے وہ ڈرائی 25 لے لیں, 20 گرام لے لیں. سب سفید زیرہ ہے, یہ بھی 25 گرام لے لیں, 20 گرام لے لیں. ساری چیزیں ہم وزن ہیں, اور یہ لاکھ دانہ ہے, ایزیلی اس کو دیکھ سکتے ہیں, ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے. لاکھ دانہ لے لیں, یہ بھی آپ 20 گرام لے لیجیے گا. سونٹ جو ہے ڈرائی جنجر جس کو ہم بولتے ہیں, یہ بھی آپ 20 گرام لے لیجیے گا. اجوائن دیسی, یہ بھی آپ 20 گرام لے لیں. ان سب چیزوں کو مکس کر کے آپ ایک پاؤڈر بنا لیں جو کہ اس شکل میں آ جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے جی, آپ صبح نہار منہ اس کو 1 ٹی اسپون سادے پانی کے ساتھ لے لیں, اور رات میں بھی ڈنر سے پہلے, آج کل کیونکہ رمضان ہے تو پہلے سنت پوری کر لیں, اس کے بعد 1 ٹی اسپون پانی کے ساتھ لے لیں. ہر کھانے سے پہلے لینا ہے, ہر کھانے سے پہلے لینا ہے, اور اراؤنڈ 2 سے 3 کلو آپ کا وزن ایزیلی کم. یہ تو ابھی لفافے بھی ڈال کے مجھے پیک کر کے دے دیں جناب. کالر ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں خالہ ہم میں فوزیہ بات کر رہی ہوں ننکانہ صاحب سے. جی جی بولیے. مجھے ڈاکٹر عیسیٰ سے بات کرنی تھی. جی بات کر رہا ہوں بہن, بولیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. میرے میاں کو نا 4 سال سے کالے موتیے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. دوائی لینے کے باوجود آنکھوں کی نا نظر بہت کمزور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, تو اگر آپ کے پاس کالے موتیے کا علاج ہے تو پلیز آپ اس کا. بہن, ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اتارتے اس بیماری کو جس کا علاج نہیں اتارتے. علاج ہوتا ہے کالے موتی کے لیے, اگر ان کی جو رپورٹ بنی ہوئی ہو وہ ہمیں ای میل کر دیجیے گا. جہاں آپ نے فون کیا ہے وہاں اپنا نمبر چھوڑ دیجیے گا, انشاءاللہ ہم آپ کو کال کریں گے رپورٹ دیکھنے کے بعد, بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک اور کال لے لیں. جی ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں, اور کیا کہنا چاہیں گی, جلدی سے کہیے. میم, میں فوزیہ مزمل بات کر رہی ہوں جھنگ سے. میں نے چھائیوں کے بارے میں ساری آپ سے پتا کرنا تھا کہ میرے چہرے پہ چھائیاں بہت ہیں. کیا بہت ہیں؟ چھائیاں بہت ہیں.
छाइयां के लिए, ठीक है, छाइयां। अच्छा, जहन में रखिएगा, आपको मार्केट में जो डॉक्टर्स देते हैं अमूमन वो छाइयां बहुत है। जी जी, मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर दी जाए जो चीज़ें बता रहा हूँ। अमूमन मार्केट के मार्केट में से छाइयों के लिए आपको जो क्रीम मिलती हैं बहुत केमिकल्स होते हैं, वो लाइट भी कर देती हैं, ख़त्म भी कर देती हैं, लेकिन जैसे ही आप क्रीम छोड़ते हो वापस झाइयाँ आ जाती हैं। मैं जो आपको रेसिपी बता रहा हूँ ये लंबा टाइम ज़रूर लेगी लेकिन हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। आप ले लीजिएगा ज़ाफ़रान, बादाम, हुस्न यूसुफ़, नशास्ता, बालझड़, ऑरेंज पील, ये छः चीज़ें हैं। हम वज़न लेकर पाउडर बना लें, अब पाउडर बना के रख लें, इसमें से जितना चाहिए चेहरे के लिए उतना निकाल कर प्योर हनी के साथ इसका पेस्ट बनाइए, पूरे फेस पर लगाइए, एक घंटा लगा रहेगा, रोज़ाना लगाना है और किसी वक्त भी लगाना है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लेती हैं। बहुत शुक्रिया, मेरा ख्याल आपको आपके सवाल के जवाब मिल गया। और अब सहरी की तरफ चलते हैं हम, क्योंकि सहरी का टाइम बहुत तेज़ी से निकलता है। तो आइए डॉक्टर साहब, और अगर कोई कॉलर हमारे साथ हैं तो बात कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नहीं है, कोई बात नहीं। बिलाल भाई, अब आप बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ, सॉरी जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है बहन और कहाँ से बात कर रही है? मैं मदीहा खैरपुर सिंह से बात कर रही हूँ। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगी, जरा जल्दी से कहिए। आपी, मुझे आपसे एक काम है। आपकी आवाज ही नहीं आ रही आपके आपी को। हेलो, हाँ जी बोलिए। आपी, मुझे आपसे एक काम है। कहिए। आपी, मेरी शादी होने वाली है, मुझे कोई इतना शादी रुकवा दूं? क्या करें, शादी होने वाली है क्या, बताए ना बहन। बस आपी, मुझे एलईडी चाहिए। एलईडी चाहिए और एक अच्छा सा मोबाइल। वो आप इफ्तारी में कॉल करेंगी ना, जो इफ्तारी का सेगमेंट है ना हमारा, आपको उस पे हम जरूर गिफ्ट देंगे, ठीक है? इफ्तारी वाले टाइम पे आपने कॉल करना है। अब आपकी सर दीन की बात और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक नफ्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें इस मौजू के ऊपर जो ज्वाइन किया है जिन लोगों ने, इंतहाई मोहतरम हाजी हनीफ तैयब साहब, हाजी साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपका चेहरा जिस तरह खिलता है, मुझे अल्लाह के रसूल की वो हदीस याद आती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरा नाम आगे पहुंचाएगा उसका चेहरा हमेशा खुश व खुर्रम रहेगा। अल्लाह करम, अल्लाह के रसूल, अल्लाह हमेशा रखे। डॉक्टर फजल साहब हमेशा की तरह इंतहाई ममनून, इंतहाई ममनून। और हुसैन मसूदी साहब जनाब बहुत ममनून। डॉक्टर ईसा बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपके सेगमेंट में दीन की बात के सेगमेंट का अनाउंस किया था, मेरी इस पे माजरत है, मेरी इस पे बहुत माजरत है। जो हनी भाई आपकी तरफ तवज्जो दिलवाता हूँ, हम दो चीज़ों को अगर मैं इस तरह देखिए कि अल्लाह ताला ने हदीस है, जब नफ्स को और अकल को तख्लीक किया तो अल्लाह ने दोनों से कहा कि मुझे चल के दिखाओ। नफ्स और अकल दोनों ने चल के दिखाया, मुड़ के दिखाया, बैठ के दिखाया, उठ के दिखाया, फिर अल्लाह ने इनकी नोक पलक को दुरुस्त किया। फिर अल्लाह ने जब अकल को दुरुस्त कर दिया, अल्लाह ने अकल को एक तरफ रखा और कहा कि मैंने क्या खूब शय तख्लीक की है, अल्लाह को खुद अपने आप पे हुस्न ज़न आया। फिर जब नफ्स को तख्लीक किया तो अल्लाह ने कहा कि मैंने अपने दुश्मन को तख्लीक किया है, खुदा के सिवा अपने दुश्मन को कौन तख्लीक करेगा। ये समझा दीजिए कि ये नफ्स क्या चीज़ है, हम इनको जिस तरह से बांटते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन हम हर शय जो है वो शैतान पे डालते हैं, क्या नफ्स भी किसी चीज़ का जिम्मा लेता है और क्या है क्या ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बहुत अच्छा उन्वान रखा है सर, और शुरू में ही आपने ये निशानदेही भी फरमा दी कि आदमी करतूत तो सारे खुद करता है, डाल देता है शैतान पर। ये भी उसका नफ्स है, ये भी एक नफ्स है उसका जिसने उसको काबू कर रखा है। नफ्स को समझने के लिए यकीनन अकसाम पर इस वक्त हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन इंसान को अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ नफ्स की शक्ल में दी है कि अगर उसने अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत के मुताबिक इस नफ्स पर कंट्रोल किया तो वो बहुत बड़ा बहादुर होगा, बहुत बड़ा फातेह होगा। इसको मिसाल के तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे ने अपने नफ्स पर काबू कर लिया वो पूरे शहर को फतह करने वाले से भी ज़्यादा बड़ा काम उसने किया है। हाजी साहब, ये जिस पे मैंने काबू पाना है ये है क्या? जी ये बात आपकी दुरुस्त है। अल्लाह ताला ने जो हमें मुख्तलिफ चीज़ें
जिस जिस्म के अंदर दी हैं, एक जाहिर है अकल है, एक नफ्स है, ऐसे ही एक हमारे लिए ये दिमाग है जो हमें इस्तेमाल करने का एक तरीक़ा बताया गया कि इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अगर अल्लाह की दी चीज़ों को हम चाहते हैं तो वो इनाम बन जाएंगी, और अगर हमने उनकी कर ली ग़ुलामी तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा अजाब और बहुत बड़ी मुश्किल की बातें हो जाएंगी। चंद इरशादात की रोशनी में हम इस बात पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे कि ये बेसिकली नफ्स जो है वो है क्या चीज़। बहुत मुख्तसर हैं, कोई तवील इरशादात नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है नफ्स को समझने के लिए, जिसने अपने नफ्स को मार लिया यानी उस पर काबू कर लिया वो रहमत के कफन में बंद होगा। रहमत, वा, वा, के रहमत के कफन में और इज्जत की सरजमीन में दफन होगा। आए इज्जत की सरजमीन में दफन होगा। और इसके बिल्कुल वाइस वर्सा रिवर्स में फरमाया, और जिसने अपने आमाल से दिल को मुर्दा कर लिया वो लानत के कफन में बंद करके दफन किया जाएगा और अजाब की सरजमीन में दफन होगा। बेशक ये बाउंड्री वॉल बताई जा रही है नफ्स की इन चारों कोनों के ज़रिए से। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैंने नफ्स पर काबू कैसे पाया। अब इस बात को सुनने के बाद भी हम समझ जाएंगे कि हमें किस चीज़ पर काबू पाना है। आपने फरमाया कि जब से मैंने इस्लाम के शर्फ से अपने आप को मुशर्रफ किया है उस वक्त से मैंने खाना बहुत कम कर दिया है। खाना कम कर दिया, खाना कम कर दिया। और खाना करने कम करने की वजह समझाई ताकि मैं रब की इबादत में हलावत पा सकूं। वाह 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 वाह। और इसके बिल्कुल दूसरी साइड पर समझा कि मैंने पानी पीना भी कम कर दिया इसलिए कि मुझे अपने रब से जो मुलाकात होगी उस मौके पर मुझे इश्तियाक चाहिए। वाह क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। मैं छोटा सा वक्फा ले लूँ वापस डॉक्टर साहब आपसे इंशाल्लाह बात शुरू करता हूँ। क्या खूबसूरत बात की, लेकिन ये वापस जाते हुए जब वापस आई तो इस बात पे ज़रा थोड़ा सा सोचिएगा कि अल्लाह ताला ने जो इल्म है ये बहुत दुनिया में कम लोगों को दिया, 5% से भी कम लोग हैं इस दुनिया में जो कि इल्म हासिल करने की रसाई रखते हैं। फिर जो इल्म हासिल कर लेते हैं उनमें से बहुत कम लोग हैं हनीफ भाई जिनको कि अल्लाह ताला अकल भी अता करता है। हर इल्म वाले के पास अकल ज़रूरी नहीं है, जिसके पास अकल हो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास फहम भी हो, और जिसके पास इल्म अकल और फहम हो ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अदराक हो। अदराक को अंग्रेज़ी में एक जुमला कहते हैं डिडक्टिव नॉलेज, कि आप दो जुमलों को दो आयतों को जोड़ के उसमें से माखज़ जो है वो अक्स कर सके। वापस आते हैं डॉक्टर साहब से बात करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जानने से पहले मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि सोचिएगा कि इल्म अकल फहम और अदराक अल्लाह ने कैसे दिए। हजरत आपकी तरफ डॉक्टर साहब हदिया कर रहा हूँ ये बात। एक बुज़ुर्ग थे, पहाड़ों पे उन्होंने बहुत इबादत की और अल्लाह ताला उनको इबादत के उस इवज़ में कि उनको इबादत ही करनी है, उनको अपना रोज़गार नहीं कमाना, अल्लाह उनको रोज़ रोटी देता था, रोज़ रोटी देता था। तो एक दिन ऐसा गुजरा कि अल्लाह ने उनको रोटी नहीं भेजी, उन्होंने इंतज़ार किया। फिर दूसरा दिन गुजरा, अल्लाह ने उनको रोटी नहीं दी, फिर इंतज़ार किया। तीसरे दिन वो पहाड़ी से उतर के रोटी ना आ दी तो नीचे वादी में आए और लोगों से उन्होंने कहा कि मुझे रोटी दो। उन्होंने 3 रोटियां इकट्ठी की और जब वापस जाने लगे तो वही कुत्ता जो कि पहाड़ी से उनके साथ नीचे चल कर आया था उसने भौंकना शुरू कर दिया। तो आपने उसको 1 रोटी खिलाई, उसने खाई बड़े आराम से और थोड़ी देर फिर भौंकना शुरू कर दिया। उन्होंने उसको 2 रोटी खिलाई, इस तरह 3 रोटियां कुत्ते को खिला दी। फिर उसके बाद कुत्ते ने भौंकना बंद नहीं किया। तो कुत्ते को वो कहते हैं, बुज़ुर्ग कहते हैं, कमाल है यार, 3 रोटियां लेकर आया था, 3 तुझे मैंने दे दी, अब मैं तेरी भूख का और तेरी नफ्स का क्या करूं कि तू अब भौंकता ही जा रहा है, तू ना भौंक। अब अल्लाह ने कुत्ते को बोलने की ताकत अता की। कुत्ता कहने लगा, मालिक जितना अरसा मैं ऊपर रहा तूने मुझे रोटी दी या ना दी मैं तेरे दर से नहीं उठा। अल्लाह ने तुझे सारी ज़िंदगी दी,
दो दिन तूने अल्लाह का इंतज़ार किया और तीसरे दिन तू अल्लाह से नहीं मांगने आया, तो लोगों के पास मांगने आ गया। ये जो एक कैफियत है नफ्स की कि हम अपनी तलबी की तरफ जाते हैं, जो मुझे मेरी ख्वाहिश है, ये कौन सा रंग है नफ्स का, क्या कहिएगा इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, ये नफ्स है क्या? जी, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, लक़द खलकनल इंसाना फी अहसन तक़वीम। ये जो अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक फरमाई है, उसकी सरिश्त में दो कुव्वतें रखी हैं, एक खैर की कुव्वत है, एक शर की कुव्वत है। रखी दोनों अल्लाह ने, अल्लाह ही ने रखी। और नफ्स ने वमा सवाहा फाल हमहा फजूरहा व तक़वाहा, क़द अफलाहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। यानी दो कुव्वतें इसके अंदर मौजूद है। कामयाब वही होता है जो शर की कुव्वत पर काबू पाकर नफ्स का तस्किया करके अल्लाह की रज़ा के लिए शैतानी कुव्वतों को दबा कर खैर की कुव्वतों को गालिब करके अब वो अपने नफ्स का हुक्मरान बन जाता है। फामा मन खाफा रब ही वनहा नफ्स अनिल हवा फ़ैनल जन्नत हियल मावा। कामयाब है वो जो इस बात से खौफ खाता है कि रब के सामने मुझे खड़ा होना है। फामा मन खाफा मकामा रब ही वनहा नफ्स अनिल हवा, नफ्स को उन बुरी चीज़ों से जिसको अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है, ख्वाहिशात बुरी ख्वाहिशात से रोक देता है, उसका ठिकाना जन्नत है। और इसी तरीके से जो लोग नफ्स का ग़ुलाम बन जाते हैं, नफ्स की मिसाल दी है एक शायर ने, जैसे शीरखार बच्चा होता है, उसका जो दूध पीने का जो अरसा है वो 2 साल है। अगर माँ सख्ती नहीं करे तो वो उसको वो अपनी आदत पे कायम रहेगा। तो माँ को सख्ती करना पड़ती है कि जब वो शरीर मुद्दत पूरी हो जाए उसको दूध छुड़ा दें, नहीं छुड़ाएगी तो वो चलता रहेगा कारोबार। इसी तरीके से नफ्स को इंसान ने काबू पाना होता है। तो नफ्स की 3 किस्में बयान हुई हैं, नफ्स लवामा, नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमईना। सबसे पहले नफ्स अम्मारा है, वो क्या है? वो वही नफ्स है जो इंसान को बुराइयों पर अम्मारतुन ऐन हुक्म देने वाला नफ्स, बुराइयों का इन नफ्स अम्मारतुन बिस्सू, ये वो नफ्स है जो बुराइयों का हुक्म देता रहता है। लवामा मलामत से बना है, जब इंसान से कोई ख़ता हो जाए फौरन वो नफ्स उसे मलामत करता है, जिसको हम ज़मीर कहते हैं, उसे टोकता है और फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तायद करती है, हर आदमी ख़तावार है लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो बंदा होता है अल्लाह का जो तौबा कर लेता है, यानी रुजू कर लेता है। एक है नफ्स मुतमईना, जो तमाम शर की क़ुव्वतों पर ग़लबा हासिल करके इत्मीनान के साथ रहता है, उसके लिए आयत है नफ्स मुतमईना इरजिअ रब्बी की राज़ियत मरदिया वदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। तो इसके लिए नवीयत दी गई है। अब जो आपने फरमाया ये नफ्स क्या है, तहक़ीक़ एक क़ुव्वत है, बातिनी क़ुव्वत है जो खैर और शर के दरमियान उसका सफ़र शुरू होता है। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहलवान वो है जो अपने नफ्स पर गुस्से की हालत में काबू पाता है। सबसे बड़ा पहलवान वो नहीं है जो बद्दे मुकाबल पहलवान को पछाड़ दे, बल्कि असल पहलवान वो है जो अपने नफ्स पर गुस्से की हालत में काबू पा ले। तो इसलिए तज़किया नफ्स की असलाह अहले मारिफत के यहाँ राइज है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के मकासद में से एक मकसद है। वह युज़क्कीहिम, ये उनका तज़किया। तज़किया क्या है? जो इंसान, जैसे एक मैं मिसाल देता हूँ, तफ़सील नहीं बयान कर रहा, मिसाल दे रहा हूँ। एक माली है, उसका काम है दाख्त परदाख्त करना पौधों की। पौधे को अगर वो कटिंग नहीं करेगा, ब्यूटी नहीं आएगी उसके अंदर, खूबसूरती नहीं आएगी। जब वो कटिंग करता है, एक खूबसूरत देखने में भी अच्छा लगता है और उसकी सूरत भी अच्छी हो जाती है। लक़द खलकना फी खलकना इंसान फी अहसन तक़वीम वाली बात पैदा हो जाती है। तो वो जो है, तो माली का काम यह है उसको काबू पाए। तो इंसान का काम यह है कि उसके अंदर जो ख़राबियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, जो नफ्स उससे उभार रहा है, तज़किया यानी उस उन शाखों को काट देना है जो बुराइयों की तरफ ले जा रहा है उसको, उन ख्वाहिशात को गला दबाना है, उन ख्वाहिशात पर काबू पाना है। इसी का नाम तज़किया है कि भलाई की तरफ बंदा लौटे और बुराइयों से रुक जाएँ। तो इसीलिए कहा गया ये दरहकीकत नफ्स लवामा की खासियत है, जब कोई बुराई सादर हुई फौरन वो तौबा करता है,
और रुजू करता ला कि तरतूब इलल्लाह है तौबत नसुहा। तो नफ्स दर हकीकत वो शैतानी क़ुव्वत भी है, खैर की क़ुव्वत भी है। तो जब इंसान शैतानी क़ुव्वत पर गलबा पाता है, मलका खैर उसे रब से जोड़ देता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी तरफ इस बात को डॉक्टर साहब इस तरह लेके आ रहा था कि देखिए तस्किया नफ्स ये है कि मैं अपने नफ्स पे काबू पाऊँ। अब मेरा नफ्स कह रहा है कि शादी कर लो, शादी हलाल है, तो मैं अपने पे काबू पाऊँ। भूख लगी है, हलाल खाना मेरे पे जायज़ है, तो मैं अपने नफ्स पे काबू पाऊँ। मैं क्यों पाऊँ अपने नफ्स पे काबू जबकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला ने मेरे लिए नेमतें और रहमतें और बरकतें बनाकर भेजी। बिल्कुल, मैं आपके सवाल की तरफ आने से पहले जो नफ्स की अहमियत है, कुछ सहाबा जंग से लौटे तो जब जंग से लौटते हैं जिंदा तो उसको गाजी कहा जाता है, उनको गाजी कहा जाता है। जी जी बिल्कुल। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो जंग से वापस आए तो शहादत नहीं हुई, गाजी आए, अब हमारे लिए हुक्म क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब इससे बड़े जहाद के लिए तुम तैयार हो जाओ। जहाद, वो सहाबा सब सोच में पड़ गए कि या रसूलल्लाह इससे बड़ा जहाद कौन सा? अब तुम अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करो। वाह वाह, यानी कि अंदाज़ा करें नफ्स की अहमियत का। दूसरा, अभी डॉक्टर साहब ने एक बड़ी प्यारी सी बात की जिसका जिक्र जो है सूरह शम्स कुरान की 91 सूरह की आयत नंबर 7 और 8 भी है कि अल्लाह ताला कहते हैं हमने अलहम कर दिया है, हमने पहले से बता दिया है, हमने पहले से डाल दिया है तुम्हारे अंदर तुम्हारी नेकियों को भी तुम्हारी बुराइयों को भी। जिसने अपने नफ्स को पाक किया उसने फलाह पा ली। ये जो ख्वाहिशें जिसका आपने जिक्र किया, इसमें वो ख्वाहिशें जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हैं, आप सारी अगर उनके पीछे चल पड़े तो ये बेहतरीन नफ्स है। और नफ्स आपको गाफिल कर देता है तब आप वो काम करने लगते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं किए हुए होते हैं, जिसको नफ्स से हमारा और दूसरे नाम दिए जाते हैं। तो नफ्स को काबू करने के लिए एज अ तालिब इल्म जो मैंने देखा है, हम शायद नहीं पा सके। मैं बड़ी अजीब सी बात करने लगा हूँ कि हम लोग शायद नहीं पा सके तब तक जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे सूरह नजम की आयत नंबर 1 से 4 तक का अगर थोड़ा सा जायजा लें तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे कसम है इस डूबने वाले सितारे की कि मेरा हबीब बल्कि साहिबकुम मेरा साथी, अल्लाह के रसूल की बात कर रहे हैं कि ख्वाहिश नफ्स से बोलता ही नहीं, वो वही बोलता है जो हम वही करते हैं। तो अगर नफ्स को पाना है तो फिर उसे रुजू करना पड़ेगा। बिल्कुल, उस इत्तबा के अंदर ही तो बख्शिश हो सकती है, बचत हो सकती है, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज नफ्स को कुरान में जिस तरह बयान किया 70 से ज्यादा आयतें आपके रूह को हिला देंगी, ऐसी कुरान में आयतें हैं। यहां तक के ढोर और ढंगर कहा गया, कुत्ता कहा गया, जानवर कहा गया, और ये हमसे ही मुखातिब है। सूरह 7 सूरह अराफ की आयत नंबर 177 है सर, अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कि हमने भेजी थी इनको आयात, 6666 आयात हम सब के पास हैं कुरान में। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इसलिए भेजी कि इनके मरातब को बुलंद कर दें, आलीशान जिंदगी कर दें, लेकिन इन्होंने मेरी आयात को छोड़कर जमीन पस्ती की तरफ मायल हो गए। अब तू इनको छोड़ दे या बांध दे, इनकी मिसाल उस कुत्ते की तरह है जो अभी आपने जिक्र किया, ये हांफता रहता है। फिर आखिरी जो जुमला है उस आयत का, अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो तो सही मैं किस तरह खोल कर अपनी आयात को बयान करता हूँ ताकि ये लोग अकल से काम। सच चंद लम्हे हैं लेकिन मैं अच्छा चाहूँगा कि आप इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। एक आम इंसान को ये कैसे पता चलेगा कि ये काम जो मैंने गलत किया है या सही किया है, दोनों सूरतों में ये मेरी अपनी राय थी, मेरे नफ्स की पुकार थी, या ये शैतान का वसवसा और उसने मुझसे फेल कराया, वो फ़र्क कैसे करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबहीनस्तईन वबहुअखैरुलमुईन। आगाज़ में आपने एक चीज़ की तरफ इशारा किया था कि खुदावंद आलम ने दो चीज़ें खल्क की, एक अक्ल को खल्क किया और एक नफ्स को खल्क किया, और उसके बाद अक्ल के ऊपर उसने अपने आप को मुबारकबाद दी कि मैंने कितनी बेहतर मखलूक खल्क की है। तो इसी से मुझे एक चीज़ याद आई थी, मैंने चाहा था कि उसको और आगे बढ़ा दिया जाए, ये मौजू से बहुत ज़्यादा मुताबिकत भी कर जाएगी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास खुदावंद आलम ने हज़रत जिब्रील को भेजा और भेजने के बाद 3 चीज़ें साथ भेज दी। एक, खुदावंद आलम ने अक़ल को भेजा, एक इल्म या दीन, दोनों आया है,
इल्म को या दीन को भेजा, उन दोनों में से एक इल्मी है, मैं तो एक ही चीज़। हाँ, इसीलिए वो दोनों मिलता है। और तीसरी चीज़ थी हया, और उसके बाद हज़रत आदम से कहा हज़रत जिब्रील ने कि खुदाबंद आलम का हुक्म यह है कि आप इनमें से किसी एक का इंतखाब कर लीजिए। तो उन्होंने अकल की तरफ देखा, फिर दीन और इल्म की तरफ देखा, फिर हया की तरफ देखा, और देखने के बाद उन्होंने हया का इंतखाब कर लिया। हया का इंतखाब कर लिया, हया का इंतखाब कर लिया, ना दीन लिया, ना इल्म लिया, ना अकल ली। तो अब हज़रत जिब्रील ने उन दोनों से कहा, अकल से और इल्म से, कि चलिए वापस। उन्होंने तो इंतखाब कर लिया, अब आपकी छुट्टी हो गई। तो दोनों ने जवाब यही दिया कि हमें हुक्म यह है कि जहाँ हया रहे वहीं तुम्हें रहना है, लिहाजा हमें तो हया के ताबे रहना है, वहीं अकल रहेगी। क्या खूबसूरत बात है, और यही नफ्स है। वाह 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 वाह, जब इंसान के अंदर, वाह 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 वाह। हजरत वक्फा ले रहा हूँ, खूबसूरत बात का नशा लेने दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 70 अगर शाखें हों ईमान की, उनमें से एक जो है वो हया है, और जिसके पास हया नहीं है फिर अगला जुमला कैसा जालिम है, वो जो चाहे करे। अल्लाह ना करे कि अल्लाह हमें अपने नफ्स के, अल्लाह हमें अपने हुक्म के ताबे करे। वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं। वाह, या रसूल अल्लाह मरहबा, या रसूल अल्लाह मरहबा, या हबीब अल्लाह जिस्मी लकल फिदा, या रसूल अल्लाह रूही लकल फिदा, या रसूल अल्लाह मरहबा, या रसूल अल्लाह मरहबा, या हबीब अल्लाह। दर पर तेरे जो हो सवाली, लौट के वापस आए न खाली। दर पर तेरे जो हो सवाली, लौट के वापस आए न खाली, लौट के वापस आए न खाली। ये है करम तेरा या रसूल अल्लाह मरहबा, या रसूल अल्लाह मरहबा, या हबीब अल्लाह। और कोई हुनर का है मीनारा, कोई बना है अर्श का तारा, कोई हुनर का है मीनारा, कोई बना है अर्श का तारा, कोई बना है अर्श का तारा, करके तेरी सना या रसूल अल्लाह मरहबा, या रसूल अल्लाह मरहबा, या हबीब अल्लाह। साथ तेरे हैं नूर के पैकर, जहरा अली हसनैन शबर, साथ तेरे हैं नूर के पैकर, जहरा अली शबीर शबर, जहरा अली शबीर शबर। ये है जरे किसा या रसूल अल्लाह मरहबा, या रसूल अल्लाह। और एक दुआ मिलकर मेरे साथ, वास्ता हैदर और जहरा का, वास्ता तुझको
करबो बला का वास्ता है दर और जहरा का वास्ता तुझको करबो बला का वास्ता तुझको करबो बला का अपने रोजे पे बुला या रसूल अल्लाह जिस मिलक फिदा या रसूल अल्लाह रूही लकल फिदा या रसूल अल्लाह मरहबा या रसूल अल्लाह मरहबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله सबसे पहले तो मैं मिज़ान का और रूह अफ़ज़ा का और को का शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि सहरी का दस्तरखान उनकी जानिब से होता है ये सआदत वो हासिल करते हैं
उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सवाल आप तमाम उलमा हजरात की तरफ जाते हुए कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, मैं उस पर नहीं कह रही, कि जब इंसान नफ्स की पैरवी करने लगता है, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ चलने लगता है, तो माज़अल्लाह उस अपना खुदा ही बना लेता है, इतनी पैरवी शुरू हो जाती है। तो इसके बारे में आप लोग, डॉक्टर साहब मैं आपसे चाहूँगी शुरू करूँ बात को। आपके अल्फाज हैं, ये एक हकीकत है और ये कुरान की आयत नहीं। अच्छा, सूरह फुरकान कुरान में 25 नंबर सूरह है, उसकी आयत नंबर 43 और 44 है, अराइत मन तखज़ इल्लाहु हवा, अल्लाह ताला कहते हैं देखा तुमने उनको जिन्होंने तखज़ किया, बना लिया अपने ही ख्वाहिश नफ्स को खुदा, ये वो माबूद है। इसलिए कहते हैं कि नफ्स की पैरवी जो है शिर्क से बाद ये दूसरा बड़ा गुनाह है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला कहते हैं ये फिर नहीं सुनते अल्लाह की बात और उसके रसूल की बात, ये तो बल्कि ढोरो ढंगर है। ढोरो ढंगर कहते हैं पालतू जानवर। बिल्कुल। एक तो वो जानवर होता है जो जंगल में अपनी मर्जी का शिकार करता है, ये उससे भी गया गुजरा है। तो नफ्स की पैरवी करने वाले की अल्लाह ताला ने इस तरह कई जगहों पर मिसालें दी। आपकी बात बिल्कुल सर। मैं ये पहले भी आपसे पूछना चाह रही थी, नफ्स की पहचान मैंने कैसे करी, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा नफ्स है? और यहाँ एक बात, जबकि हम ये कहते हैं कि एक पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हिलता, तो फिर कैसे नफ्स की पहचान हो? क्योंकि बहुत से लोग इस बात को इस पे डालते, ये तो शायद खुदा की ही मर्जी थी ऐसे होना। अल्लाह पे डालना तो फिर शायद बहुत हिफाजत वाली चीज है, शैतान बेचारे को भी बहुत ही तकलीफ देती है। हाँ, शैतान को भी डाल देते हैं, मुझे उसने बहकाया। आसान सा है क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले से कह दिया है कि हमने अलहम कर दिए तुम पे तुम्हारी बुराइयां तुम्हारी अच्छाइयां। क्या जब चोर चोरी करता है रात को छुपकर, उसे नहीं पता होता है मैं क्या काम करने जा रहा हूँ? क्या जब कोई कत्ल करता है तो उसे नहीं पता है मैं क्या गुनाह करने जा रहा हूँ? तो उसको अंदर से आवाज तो आती है कि उसका नफ्स उससे गलत करवा रहा है। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसके नफ्स की आवाज ना भी हो और कानून शहर जो है वो उसके खिलाफ होगा तो पकड़ा तो वो फिर भी जाएगा। जहाँ पे ये रवाज और रवायतें समझने की नहीं है, बात तो वहाँ भी सही और गलत की इसी तरह होती है, लेकिन कानून मुख्तलिफ है। मैंने कैसे पहचानना है कि ये शैतान है, मेरा गुमान है या मेरा नफ्स है, मैं कैसे पहचानूं? जी भैया, पहचानना तो मुश्किल काम नहीं है। अजान हुई, नमाज के लिए आप जा रहे हैं, ये आप सही रास्ते हैं, सिरात मुस्तकीम में जा रहे हैं। और अगर नहीं जा रहे हैं, शैतान ने आपको रोक दिया, आपके नफ्स ने आपको रोका है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मामला सिर्फ मुसलमानों का तो नहीं है ना, सारी कायनात का है। कायनात खैर मुसलमान अगर अपना नफ्स पहचान रहे हैं तो बाकी लोग कैसे पहचाने? एक जुमला अर्ज कर दूं, मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बहू, कहते हैं जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो आलम इंसानियत की बात कर रहा हूँ मैं, हज़रत इब्राहिम भी तो चले थे, सूरज को देखा, चांद को देखा, सितारों को देखा, फिर रब तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो इसी तरह हर इंसान के अंदर अकल वदियत की है अल्लाह ने, फहम और इदराक उसको अता किया गया है। वो ये आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, अजान होती है और मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ और मैं रुक जाता हूँ कि मुझे कोई ज़ाती काम है, मेरे नफ्स ने मुझे रोका। मैं अब मिसाल दे रहा हूँ, ठीक हो गया, नफ्स ने रोका। बिल गेट्स के पास जो है वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा जमा है, उसका नफ्स भी तो करता होगा ना, वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे, उसने सारा का सारा पैसा जो है वो दे दिया। पिछले साल हमें उसने $6.5 बिलियन वो पाकिस्तान में तालीम के लिए डोनेट किया। अब उसको तो ना अजान की आवाज़ आती है ना वो रास्ते में चलता है, क्यों कैसे पता चले? सिर्फ मुसलमानों पर थोड़ी है जो लग रहा है भाई। भाई बुनियादी चीज़ ये है, क्या है, ए इस्लाम जो एक स्कूल है, इस स्कूल में जो दाखिला लेगा उसके नेकी जो है वो बराबर होगी। और अगर उसने इस इस्लाम के स्कूल में दाखिला नहीं लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर, उसकी नेकी दुनिया तक महदूद है, आखिरत में उसके लिए कोई कारण नहीं। इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात नफ्स की कर रहा हूँ। जितना नफ्स मेरे अंदर है उतना ही एक बरतानिया के गैर मुसलमान के अंदर भी है, वो कैसे पहचाने और मैं कैसे पहचानूं? तो भाई जो आपकी बात है, देखिए अल्लाह सुबहानहु ताला ने जो क्लेम किया है वो रब्बिल आलमीन का किया है, तो बिल गेट्स का भी वही खुदा है जो मेरा खुदा है, पहली बात। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने वो चीज़ें जो मुझ में डाली वो उसमें डाली, यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाकर ना उसको यहूदी बनाया ना ईसाई बनाया ना उसको कुछ बनाया, जो इत्तबा करता है जो अपना सर तस्लीम खम करता है वो मुसलमान कहलाता है अल्लाह के। डॉक्टर साहब फिर ये मसाल गलत हुई ना कि अजान की आवाज आ रही है मैं जा रहा हूँ तो नफ्स के हवाले हो गया। जितने मुसलमान इस दुनिया में हैं वो आधे से कम हैं। नहीं, नेकी करने वाले बहुत आपको लोग मिलेंगे जो नॉन मुस्लिम हैं। डॉक्टर साहब नेकी को ना इसमें लेकर आए, अजर और सवाब को इसमें ना लेकर आए, जो सब दुनिया में जितने 7.5 अरब लोग हैं ये अपने नफ्स की शनाख्त कैसे करें? मुसलमानों के पास इसका जवाब नहीं है क्या? जी किसी बात को समझाने के लिए कोई एक मिसाल दी जाती है
वह हर अच्छाई और बुराई की तरफ एक इंसान का जहन रागिब होता है और एक उसको रोकने वाली कुव्वत होती है, वो मुसलमान के लिए भी है, वो गैर मुस्लिम। आपकी बात को बढ़ाऊंगा, आपकी बात को बढ़ाऊँ, बड़ी आजीज मैं सिर्फ अपनी तालीम चाह रहा हूँ। आप देखिए ना, गौर कीजिए, मैं अगर किसी के साथ माज़ाल्लाह ताल्लुक रखता हूँ और बगैर नकाह के रखता हूँ तो ये इंतहाई गुनाहगार बात है, बेशक, और मेरे दिल में गिल्ट होगा कि मैं मैं मान रहा हूँ, सवाल पूरा मुकम्मल कर लूँ। लेकिन जब एक शख्स जो है वो हॉलैंड के अंदर है और वो एक खातून के साथ रहता है और लॉयल्टी के साथ रहता है और बिना नकार रहता है और सोशल पार्टनरशिप में रहता है, उसको तो गिल्ट नहीं हो रहा, तो फिर ये कैसे हम मुसलमान कैसे फैसला उन लोगों के लिए करेंगे? लामा साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं बिलाल भाई। याद ये नहीं है, बात ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सारी बनी हुई इंसानियत के लिए नबी बनकर आए हैं, उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे सुने तो सही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है दो किस्म की हो गई है, एक उम्मत दावत हो गई, एक उम्मत इजाबत हो गई है। उम्मत दावत वो है जिन्होंने आपकी दावत को कबूल, इजाबत वो जिसने कबूल कर लिया है, और वो सारी दुनिया के इंसान जो आपकी दावत को कबूल नहीं किया वो उम्मत दावत है, उनके लिए दावत मौजूद है। अब दावत को कबूल ना करने की वजह से अल्लाह की तरफ से सजा का मुस्तहिक भी होगा और उनके लिए मकाम जो है वो जहन्नम ही होगा, इसीलिए कि दुनिया सारी इल्म से मुनव्वर है, हिदायत से मुनव्वर है। मान ली बात ना डॉक्टर साहब, मान ली बात ना, मैंने आपकी बात जो नहीं आपने कही ना वो भी मान ली, वो सारे जहन्नमी हैं, हम सारे जो है अपने अमाल के ऊपर जन्नती हैं, जो जहन्नम में जाने वाले हैं उनकी दी गंदम खा रहे हैं, उनका दिया फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, जो है ही दोज़खी उस दोज़खी का माल क्यों खा रहे हैं? माल के अंदर रहते हुए दुनिया में रहते हुए कारोबार, तो हजरत फिर देखिए ना उनको दोज़ख डिक्लेयर करते हुए तो हमने सेकंड नहीं लिया, जब माल खाने की बारी आती है तो हम कहते हैं इसमें ये लकुना ढूंढ ले। तंजीमें होती हैं जो सोशल वर्क करती हैं और उस सोशल वर्क को किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन उसकी बुनियाद पर जो जो इस्लामी तालीमात है उसे फैसला नहीं सादर किया जा सकता। इस पर भाई हुसैन मसूदी साहब से भी राय ले लूं, आपकी जरूर लीजिए। हुसैन साहब देखिए, मैं इसमें एक छोटी सी एक दो बातें ऐड कर दूंगा कि बात यह है कि ये जो जिस्म है ना, आवाज बढ़ा दे, ये हमारा जिस्म जो है ये एक सवारी है और इसके ऊपर जो नफ्स है वो हमारी चौबान है और रूह जो है वो इसका सवार है। अब बात यह है कि और जब जिस हदीस को आपने कोट भी किया था कि मन अरफा नफ्सहु फ़कत अरफा रब्बहु, रब्बहु कहा गया है, अल्लाह की वहाँ बात नहीं हुई है। ये एक बात को थोड़ा सा एक बारीक सा इसमें ख्याल रखना चाहिए जो आप जिस चीज़ की तरफ कह रहे हैं कि यकीनन जब हम नफ्स को देख लेते ना, ये नफ्स के ऊपर अगर हमारा कंट्रोल हो जाता है तो उससे इसका ताल्लुक नहीं है। शाह जी मेरे पे कुछ तर्स खाए, मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा कि जिस पे काबू पाना है वो बला है क्या? वो दूसरा मरहला आ जाएगा, वो दूसरा मरहला आ जाएगा कि नफ पे काबू कैसे पाना है। नहीं अभी नहीं पाना काबू। अच्छा, अभी पहले तो मुझे ये बताएं मैंने किस पे पाना है काबू। हर वो शय, हर वो शय कि जो आपको ये नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमईना, नफ्स लवामा, ठीक है, ये तीन कंडीशंस आ गई। नफ्स मुतमईना तब हो जाएगा कि जब सवारी पर आपको कंट्रोल आ जाए। जी अगर कोई मुसलमान ना हो जी, और ये इसमें जरूरी नहीं है उन्होंने इसका नाम रख दिया इट ईगो सुपर ईगो, वो भी इस पे इसी तरह कायम है, हम भी इसी तरह कायम है। मैं तो समझना चाह रहा हूँ इस शहर को ज़मीर की। एक हदीस सुना दो, सिर्फ एक हदीस, अब दुनिया वो सिजनुल मोमिनीन व जन्नतुल काफिरीन, ये काफिरों के लिए जन्नत बनाई गई है, दुनिया को जन्नत करार दिया गया है, उनके लिए इशरत के सारे सामान अल्लाह ने वाफिर मकदार में उनको दे रखा है, और मुसलमानों के लिए कहा है तुम्हें मेरे कयूद हदूद के अंदर रहना है। जो मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल इस्लाम व दखला फिल जन्ना, जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने नहीं पढ़ा वो जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन अभी कलमे का क्या ताल्लुक है? कलमे का ताल्लुक है, कैसी बात कर रहे हैं? कलमे का ही तो ताल्लुक है भाई। हजरत इस पर तो नफ्स पे बात हो रही है ना। उन्होंने मूसा का कलमा पढ़ा, ईसा का कलमा पढ़ा, मोहम्मद रसूल का कलमा पढ़ने से उनको क्या क्या चीज माने हैं? उनको पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए सरकार सबके लिए नबी बन रहा है। बेशक नहीं, वो जो चीज कह रहे ना बिलाल भाई, एक कलमा तकाजा पूरा करने का तकाजा न करे ना, वो अलग बात है, वो एक अलग चीज है।
वो अलग चीज है। बंदा जो है वो अल्लाह को का को कह के ये मौलूदिन यूलिदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा इस्लाम के फितरत में पैदा होता है। वाह वाह मैं यहूदा हूं इस्लाम हूं, उसके मां-बाप उसे यहूदी बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं। जब अक्ल शऊर बलूगत के हद तक पहुंच गया वो लड़का, वो अब वो जिम्मेदार है अपने नफ्स का, अपने आमाल का, अपने आखिरत का। कन्वर्टेड लोग हैं आप, ये देखिए कंक्लूजन कर लेते हैं एक अगर सभी सिर्फ ये ताकि आपका मसला हल हो जाए। देखिए इससे ताल्लुक नहीं है, थोड़ी देर के लिए हम ज़रा सा इस्लाम से एक लम्हे के लिए इंसानियत में आ जाए, ठीक है ना, कि जिसमें सारे मज़ाहिब पाए जाते हैं, उसमें जो खुदा परस्त हैं वो भी हैं और जो नहीं है वो भी हैं। लेकिन नफ्स तो खुदा ने सबको दिया है, एक से नफ्स ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान के पास है और वो जब काबू में आ जाएगा तो फिर वो क्या है। हज़रत यहाँ पे एक जुमला शामिल करते हैं आपके जुमले में, जी कुछ खुदा परस्त है कुछ खुदा तरस हैं। जी मसला यही है, भी तो शामिल करें ना। खुदा तरस की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब तक मेरे ज़मीर की आवाज़ एक अंदर से हर जब भी कोई भी बुराई हो, और बुराई का ताल्लुक इससे नहीं है कि अच्छाई और बुराई का कि जी ये सिर्फ इस्लाम में है, नहीं ये हर जगह है बुरा, झूठ हर जगह बुरा है, हर मसलक में हर मज़हब में झूठ बुरा मिलेगा आपको, चोरी हर मज़हब में आपको बुराई मिलेगी, हर इंसान इसको बुरा समझता है। इसी तरीके से झूठ बोलना, जितनी भी ये नफ्स की बीमारियां हैं, ये सारी की सारी नफ्स की बीमारी ये सिर्फ मुसलमान में नहीं पाई जाती, हर एक में पाई जाती, लेकिन उन्होंने अपने माशरे की बिना पर, अपने माहौल की बिना पर, अपनी सोच की बिना पर, यानी गोया ज़मीर की आवाज़ पर जो लबैक कहते रहे वो बार बार उसको सुनना, तो फिर क्या हुआ कि वो अम्मारा जो था वो उससे हट करके दूसरी तरफ आ जाता है, जिसको फिर जिस आयत का आगाज़ भी किया था, या ये तो हन नफ्सुल मुतमईना इरजा इला रब्बी के राजियतम मर्जिया, वो लोग राजी हैं हम राजी नहीं हैं। देखिए यहाँ एक छोटी सी बारीक सी बात और मैं कर दूँ ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि देखिए नफ्स मुतमईना की एक तारीफ़ की गई, वो अच्छे लोग तो अपनी जगह है, मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा कि फिर आपका सवाल का जवाब नहीं आएगा, लेकिन राजियतम मर्जिया क्या है, यानी आज मुसलमान नाम के हम मुसलमान हैं, ठीक है ना, हमारे हल्क से अभी इस्लाम उतर नहीं रहा, लेकिन वो नाम के मुसलमान नहीं हैं मगर अमल के मुसलमान हैं, और उसको असल क्या है कि वो रब से राजी हैं, और रब यूं कह लीजिए कि उनके इस दुनियावी फेल से राजी है। खुदा ये नहीं देखता के लोग अमल के मुसलमान नहीं कह सकते, हाँ, वो इस्लाम कौन कह रहे हो पर अमल कर रहा है, कौन कह रहे हैं, इस लफ्ज से मुझे इतराज होगा, वो अमलन मुसलमान नहीं है, जब तक कलमा नहीं पड़ेगा मुसलमान नहीं हो सकता। बेशक छोटे से वक्त पे जा रहे हैं, वक्त से वापस आके इस गुफ्तगू को जारी करते हैं। अभी डॉक्टर साहब आपको ये हदिया कर रहा हूँ, सवाल मुझे समझानी है आपने कोई बात। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज वो अमीरुल मोमिनीन बने, वो जो गुलाम था उनका वही था पहले जो कि उस वक्त था, उन्होंने उसको दिए छः धर्म, उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक लबास लेकर आओ, वो लबास लेकर आया, आपने उसके हाथ लगाया, कहा ये मेरे लिए बहुत नरम है, इससे सस्ता लबास लेकर आओ। वो जो गुलाम था उसने सर पीट लिया, उसने कहा हजरत अभी तो चंद दिनों की बात है कि मैं 600 दरम का आपके पास लबास लाया था, आपने फरमाया था इसमें रेशम कम है, ये मेरे जिस्म पे नातवानी से गुजरेगा, इसको नरम लबास बनाकर और महंगा लेकर आओ। कहा तब मैं एक मोमिन था, अब मैं अमीर मोमिनीन हूँ। ये जो नफ्स की तब्दीली है ये भी तो मुझ में और आप ही में हो रही है ना, समझाने की सिर्फ मुझे ये कोशिश कीजिए कि हम जिन चीज़ों पे इतना बड़ा फ़लसफ़ा बोलते हैं, हम उनकी क्या कहना चाहिए, उनके लकुने ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम उसकी बुनियाद और डेफिनेशन पे क्यों नहीं तय होते। सर एक दफा जी जी वाक़ा सुना दूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को गश्त कर रहे थे अपने गुलाम असलम जो साथ हुआ करता था, चलते चलते शहर से बाहर एक झोपड़ी में आग नजर आई, आप वहाँ तशरीफ ले गए और देखा कि बच्चे बिलक रहे हैं, माँ पतीली में पानी उबल रहा है, लोहा गर्म करके उसमें डाल रही हैं ताकि उससे सुड़ की जो आवाज़ आ रही है उससे बच्चे ये समझें खाना पक रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब देखा, अंदर जाके माजरा पूछा गया, कह रहे पता नहीं खलीफा कहाँ सो गया है, हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, ये कहना था आंसू जारी हो गए, गुलाम को लेकर गए बैतुल माल में और कहा कि गंदम की बोरी उठाओ और घी और चिकनाई जो पकाने के लिए सब उठाओ। गुलाम कहने गए, वो गुलाम से कहा मेरी पीठ
पीठ पे डाल दो। नफ्स देखें, आप नफ्स किसको कहते हैं? कह रहे हैं सर आप कैसे लेंगे, जैसे हम कहते हैं हजरत आप कैसे लेंगे, कह रहे नहीं मैं अपना बोझ खुद उठाऊंगा, कयामत के दिन तुम मेरा बोझ नहीं उठाओगे। खुद लेकर गए, अपने सामने रोटी पकवाकर खिलाया और अपने नफ्स को देख मुतमईन करने के लिए बैठे रहे। बच्चे जब हंसने लगे खेलने लगे खाकर, फिर आप फिर कहते हैं उमर को आप खलीफा तो आप ही को होना चाहिए था, कि आप जैसे कल जब मेरे दरबार पे आओगी तो उम्र से मुलाकात हो जाओगी, मैं वहाँ दरबार पे उम्र से मुलाकात हो जाएगी। ये देखिए नफ्स को दबाना, देखें हजरत उमर खलीफा है और वो अपने नफ्स को किस तरह, यहाँ पे नफ्स दबाना किसी तरह नहीं बनता, यहाँ पे उनकी आजजी बनती है, यहाँ पे उनकी हिकमत बनती है, यहाँ पे खुदा का खौफ बनता है, यहाँ पे नफ्स नहीं बनता किसी तरह। खुदा का खौफ ही वो हथियार है जिससे नफ्स को दबाया जाता है। खुदा का खौफ नहीं होगा नफ्स दबेगा नहीं। मुझे लगता है कि अल्लाह का शुक्र है कि वो गुलाम ही था साथ, अगर कोई हम में से होता तो कहता तुम बच्चों को धोखा दे रही हो इसलिए तुम्हारे पे गुनाह है। ये जो शू की आवाज आ रही है ये सच नहीं है। नफ्स के हवाले से एक मिसाल अभी आगा साहब ने दी, एक मिसाल और दे देता हूँ ताकि शायद आपका मसला हल हो जाए। एक जंग जंगे खंदक है कि जिस वक्त अमर इब्ने अब्दवद आया है और उसने मुसलमानों को ललकारा है कि आओ और मेरे मुकाबले में आओ, तो उस वक्त बहरहाल एक तरफ हज़रत अली थे, दूसरी तरफ रसूल खुदा थे, बीच में मुसलमान थे और सारी उम्मत और सहाबा थे। तो उस वक्त रसूल खुदा ने बहरहाल दावत दी और हज़रत अली चले गए। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, बहुत वाकई तुलानी है, लेकिन नतीजे के लिए नफ्स को कैसे काबू किया जाता है। उस वक्त अमर इब्ने अब्दवद को हज़रत अली ने एक मरतबा गिरा दिया, ज़ेर किया और चाहते थे उसको वार करते ख़त्म कर देते, लेकिन उतर आए और फिर दोबारा रन लगा, फिर मारका हुआ और वो ऐसा आसान नहीं था। 72 हज़रत अली डेढ़ दो वार से ज़्यादा कोई सामने नहीं टिकता था, वहाँ तकरीबन कहते हैं कि 72 दफ़ा तलवार फेर हुई है, तो वह आसान नहीं था उसको ज़ेर करना। मगर फिर ज़ेर किया, वार किया, ख़त्म कर दिया। जब वापस लौट के आ रहे थे तो एक हदीस मुबारक आई और एक सहाबा ने सवाल किया हज़रत अली से। हदीस मुबारक यह है कि ज़रबतु अली यौम अल खंदक अफ़ज़लुल मिन इबादत सक़लैन, दोनों जहानों की इबादतों से ज़्यादा क्या है अली की इस एक ज़रबत में। ज़र्ब कहते हैं एक बार को, ये उठी ये नीचे आ गई, ज़र्ब ख़त्म, कितने सेकंड की है इसको जहन में रख लीजिएगा। और सहाबा ने एक जुमला कहा हज़रत अली से कि या अली आपसे जंगी हिकमत अमली के तहत एक गलती हो गई थी। अब हज़रत अली ने बहरहाल वहाँ मुस्कराया और पूछा कि जाहिर सी बात जो गया है उसने पूरा रन किया है कि क्या गलती हुई। कहा देखिए वो कितना भारी पहलवान था, अगर खुदा नखास्ता ऐसा हो जाता कि वो एक मरतबा आपने गिरा लिया था उसको छोड़ दिया, अगर दूसरी मरतबा खुदा नखास्ता वो गालिब आ जाता तो क्या होता, क्योंकि कुल्ले कुफर के मुकाबले में कुल्ले ईमान गया था। उस वक्त हज़रत अली ने जो जवाब दिया है बस यही वो नफ्स, नफ्स कहाँ है। बस हज़रत अली गए थे मुसलमानों के लिए लड़ने के लिए, हक को ज़िंदा करने के लिए, तौहीद की हिफाजत के लिए, इस्लाम के फ़रोग के लिए। और उस वक्त जब उनको उसने एक ऐसा अमल किया कि जो बहुत ही कमज़ोर इंसान करता है, कोई पहलवान नहीं करता वो अमल, तो उन्होंने कहा ये पहलवान नहीं ये छोड़ दो, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरी ये ज़रबत अल्लाह के लिए थी। उस वक्त इतना भारी पहलवान हो, इतनी मुश्किल मंजिल हो और फिर भी नज़र खुदा पर हो कि मैं जो वार करूंगा हर वार अल्लाह के लिए हो, मेरे लिए ना हो। अल्लामा साहब इस बात को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया और अल्लाह को ये बात पसंद आई कि मेरे लिए मोहब्बत और मेरे लिए नफरत हो, तो इमाम तक ये बात पहुंची है। जब कौले रसूल पे इमाम नहीं होंगे तो और कौन होगा इस कायनात में, और कौन होगा इस कायनात में। मैं तो सिर्फ नफ्स की ताकि कि नफ्स कहां कहां कितना कंट्रोल, वो उस घड़ी में नफ्स के ऊपर तवज्जो रखना और लगाम लगाना। अमल जो किया था वो तो उनके नफ्स को ठेस पहुंचाने वाला अमल, असल बात ये, और उसको ठेस पहुंचाने वाले को आपने वो ज़र्ब मारी है अखलाक की कि तारीख में वाकई कोई भुला नहीं सकता, भुला नहीं सकता। बेशक इसलिए नफ्स जो है, अच्छी बात की है, अखलाक की ज़र्ब मारी है और तारीख इस वाकये को भुला नहीं सकती। वाह वाह वाह, अब अगर मैं तुझे मारूंगा तो वो मेरा गुस्सा, उनको तरबियत भी करती है कि कहां तक नजर रखनी। जिन शख्सियत की बात कर रहे हैं वो जितना साथ रहे हैं, जहाँ से सारी दुनिया आज भी इल्म फैजियाब हो रही है, हम जुड़े हुए लोग हैं, हमें सबसे पहले तो नफ्स को समझना पड़ेगा। देखें आपके मेरे घर में किसी को नफ्सियाती बीमारी होती है
तो हम कहते हैं इसको माहिर नफ्सियात को दिखाओ। अरे भाई, जब नफ्स में बीमारी आएगी तो नफ्स बनाने वाले को नहीं दिखाओगे, माहिर नफ्सियात को दिखाओ। ऐसे ही कहते हैं ना, माहिर नफ्सियात को दिखाएं, भाई इसको नफ्स में बीमारी है तो नफ्स का भी तो डॉक्टर होगा ना। नफ्स रब ने बनाया है, जब इसमें प्रॉब्लम आएगी तो रब से जुड़ना पड़ेगा। जब तक उससे जुड़ेंगे नहीं तो नफ्स समझ में नहीं आएगा। अभी जैसे आप बात कर रहे थे यूरोप की, हम और आप सब घूमते हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छे काम होते हैं, लेकिन चंदा दे देना, डोनेशन कर देना नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ ऐसी सूरतों में भी नफ्स खुला हुआ है। आप देखें किस माशरे में ऐसा होता है कि एक आदमी से आदमी शादी कर रहा है, किस माशरे में होता है कि वहाँ एक औरत को बच्चा डिफाइन नहीं होता है कि किस मर्द का है। डीएनए कराने के 20 मर्दों के डीएनए कराने के बाद पता चलता है इसका बच्चा है। तो उस सोसाइटी में ये क्राइम भी है जहाँ नफ्स का पता ही नहीं है। लेकिन शाह साहब, अगर जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की, वहाँ पे ये बुराई है, मर्द मर्द से शादी कर रहा है, जो है वो औलाद के नाम का नहीं पता। एक सेकंड लुगानी साहब से, लेकिन हजरत जब हम इस्लाम और दीन की बात करते हैं तो उनको क्यों भूल जाते हैं जो अपनी बेटियों के साथ ज्यादती करते हैं, उनको क्यों भूल जाते हैं जो अपनी बेटियों को कत्ल करते हैं, उनको क्यों भूल जाते हैं कि 5 साल की बच्ची 30 साल का मर्द जो है वो उसके साथ जना कर रहा है। ये सारा जुल्म और जबर इधर हो रहा है, बच्चों के साथ जो हो रहा है, इस्लाम की खराबी नहीं बता सकते। हम कब कह रहे हैं कि इस्लाम की खराबी है? इंफरादी इंफरादी होता है, उसकी सजा मुकर्रर है इस्लाम में। इंफरादी अमल से इस्लाम पे नुक्स निकाल नहीं सकते डॉक्टर साहब, वो उसकी जिम्मेदार है। डॉक्टर साहब आपको बात फॉलो करनी है, कोई ये बात नहीं कह रहा, कोई ये बात नहीं कर रहा हमारे पास, कोई ना हम उनको ये कह रहे हैं कि वो कलमा पढ़े, हम नहीं कुछ कह रहे, हम तो ये समझने की कोशिश पढ़े। मेरे नबी ने कहा पढ़ो कलमा तुम, इसलिए मूसा को मान सकते हो तो जिस मूसा अलैहिस्सलाम ने, हजरत मेरा तो सवाल ही बिल्कुल दूसरा है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा हूँ। मेरी आपके बात में एक का जवाब नहीं आपने दिया कि जनाब जिनके ऊपर हम कह रहे हैं कि कलमा नहीं पढ़ते उनका माल हलाल है, अब हमने लुकना तोड़ लिया, ये नफ्स नहीं है उनके ऊपर तो उंगली रख रहे हैं। जब उनका माल हमारे पेटों में जा रहा है और उनको हम कह रहे हैं कि वो काफिर हैं, वो हराम है, वो फलाना है, वो टिमकर है, जब रोटी खाने की बात आती है तो उनसे ले लेते हैं। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, उनका माल हमें बेमकसद नहीं दिया जाता, और पूरी दुनिया में जो कत्लो गारत गरी हो रही है वो सिर्फ उनकी तिजारती सोच की वजह से हो रही है कि खूब असला पैदा करो, फिर इसके बाद दुनिया का कोई इस्लामी मुल्क नहीं छोड़ो, हर जगह इराक, शाम, मिस्र, लबनान कोई भी तलाश कर लें, हर जगह फसाद उनके असले से होता है। और आज वो रो तो रहे हैं, आज वो रो तो रहे हैं कि हमारे मुल्क में ये अचानक वाकया क्या हुआ, लेकिन अचानक असला तो तुमने फैलाया पूरी दुनिया में। तो शाहजी फिर आगा जी इस पे यूं भी देखिए कि असला वो बेचते हैं वो बड़ी बुरी बात है, लेकिन यहाँ नफ्स बेचने वाले मुसलमान भी तो बैठे हुए हैं ना, जो असले को खरीद के अपना रखा। ये दफा करता हूँ भाई कि हमारा कसूर है, कोई कवरेज कमजोरी है। अपना नफ्स बेच करके ही मर्ज़ी इलाही को खरीदा जाता है। जब हम अपना नफ्स बेचने की सलाहियत पैदा कर लेंगे तो उस वक्त हम क्या है मर्ज़ी इलाही को खरीद सकते हैं, अगर हम अपना नफ्स नहीं बेचेंगे। अब रह गया ये माशरती, नफ्स खरीदना कैसे है, मैंने अपना जी मैंने अपना नफ्स कैसे खरीदना है, हाँ ये कैसे खरीदना है, अपना नफ्स कैसे बेचना है और मर्ज़ी इलाही को खरीदना है जी। और उसके लिए बस मैं ये कहूँगा कि देखिए जिस बहस को आप चला रहे थे कि देखिए फिर एक बात हम अगर इस बात को समझ लें कि हमारे यहाँ मुसलमान हैं इस्लाम नहीं है, उनके यहाँ इस्लाम नहीं है मुसलमान है, वो प्रैक्टिकली मुसलमान हैं लेकिन जब हम इस माना में लेंगे कि आज हमारे माशरे में नफ्सा नफ्सी है, आज हमारे माशरे में मैं इस बात को बिल्कुल एक पलटा दे रहा हूँ, बिल्कुल एक पलटा दे रहा हूँ, मैं सबसे राय लेता हूँ इस बात को, जरा तवज्जो कीजिएगा। वहाँ इस्लाम की खूबियां नजर आती हैं और यहाँ मुसलमान नजर आते हैं, मुसलमान नहीं कह सकते, वो ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली इस्लाम वहाँ मिलता है, मतलब इस्लामी तालीमात का मजहर है। अच्छा गुस्सा जो है वो रोजे में हराम है मेरे भाइयों, गुस्सा रोजे में हराम है, इसको एक तरफ और लेके चलते हैं, बड़ा फर्क हो जाता है, इसको एक और तरफ लेके चलिए। इमाम अबू हनीफा का फतवा, जो इमाम अबू हनीफा को नहीं मानता वो भी उसके उनका फतवा जरूर मानता है। इमाम अबू मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, इमाम अबी हनीफा को हम मानते हैं। अब इमाम अबू हनीफा जो हैं उनकी ग़रा गौर कीजिए कि मदीने में गए और मदीने में उनको लोगों ने 3 दिन के लिए रखा, वो रहे, चौथे दिन जाने लगे तो लोगों ने कहा हज़रत अभी और तालीम करें, फिर आ गए 12वें दिन इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि खुदा के वास्ते अब मुझे जाने दो क्योंकि मैं 12 दिन मदीने में हूं, मैं अपनी रफ़ा हाजत नहीं कर सका क्योंकि ये मेरे
महबूब का शहर है, मैं शहर से निकलूंगा तो अपनी जाती जरूरियात पूरी करूंगा। हजरत इस बात को यूं देखिए कि जहां पे आपकी मोहब्बत खुदावंद होगी, जहां आपकी नस्बत रसूल होगी, वहां आप अपनी ख्वाहिश पे बाला लेकर आएंगे उनका हुक्म। ये तरतीब होगी मेरी पहचान की, आखिर नहीं होगी। बैठे रहे वो उसी तरह बैठे रहे, इश्क़ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी को कहते हैं। ये अदब है, अदब है, और अदब नहीं होगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसको बनाने में, इसको बनाने में मुझे एक मिनट लगा। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और मैं समझना चाह रहा हूँ कि नफ्स खरीदना और नफ्स बेचना कैसे होता है। सही। मैं एक मुसलमान हूँ। अल्लाह ताला ने सूरह मायदा की आयत नंबर 90 में कहा कि ईमान वालों शराब तुम्हारे लिए रिस्से मले चताने। बिल्कुल ठीक। इसको थोड़ी देर शराब को तस्वर कर लें कि एक मुसलमान के हाथ में शराब है, मेरा अल्लाह कह रहा है कि हराम है, हराम है। मैं थोड़ी देर कह रहा हूँ अल्लाह जी जरा खामोश, मैं पी भी रहा हूँ, इस नफ्स को मैंने इस वक्त खुदा बनाया हुआ है। अगर मैंने खुदा की बात मान ली है तो मैंने खुदा को राजी कर लिया, राजी कर लिया है, और अगर मैंने खुदा की बात नहीं मानी है तो इस नफ्स के पीछे मैं राजी कर लिया। इतना सादा सा। अल्लाह को हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते ना, मसला यही है। जब तक अल्लाह की मानेंगे तो फिर हम नफ्स पर काबू पा लेंगे। अगर जी इस बात को यूं भी कहना ठीक होगा कि मैं अपनी ख्वाहिशात को अगर जायज समझता हूँ, जिनको जायज समझता हूँ, वो जायज सिर्फ वो हैं जो अल्लाह और नबी के हुक्म के ताबे हैं। जो ताबे नहीं है वो नहीं है। वमा आताकुम रसूलुहु खुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फन्तहु। जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता करे उस पर अमल करो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ, बात यहाँ खत्म होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब हम जिस दिन हम मैं से निकल के हम में आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक, जिस दिन हम मैं से निकल के हम में आ जाएंगे उसी दिन समझ लीजिए कि हमने अपने नफ्स पर काबू पा लिया। सुभान अल्लाह। की तायद में इमाम गजाली, बहुत बड़े इस्लाम के अजीम स्कॉलर भी हैं, फलसफी भी हैं, उनका एक कौल सुना रहा हूँ जो ये अभी अमल भी करके समझा रहे थे। हजरत फरमाते हैं कि इंसान जब अपनी नफ्स का ताबे हो जाता है तो बादशाह होकर गुलाम हो जाता है। हाय 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 हाय। और अगर इंसान सबर को इख्तियार करके ऐसी चीजों से इश्तराब कर ले तो सबर को इख्तियार करके गुलाम होकर बादशाह होता है। और राबिया बसरी फिर याद नहीं आती। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। और मैं बड़े जो आपने कहा वही खुलासा है हजरत, बड़े अदब से कह रहा हूँ। मामला जो होता है ना गुफ्तगू करने का है, गुफ्तगू करने का है, बात समझने का है। आपने कमाल का जुमला कह दिया, वो आपके पास बैठने का जो असर है ना और उसकी बरकत है। आप टाइम हो गया चीज से, एक जुमले के बाद हो गए, तौबा कर लिया आपने। मेरे ख्याल अब मैं एक बात कह के जी देखिए, जो इस्लामी मुआशरे में जो कानून होने चाहिए वो हमें गैर मुस्लिम मुआशरे में मिलते हैं। बिल्कुल लाजमन इंसानियत है जो भी शामिल कीजिए ये कानून। अब 82 के 82 जो हजरत उमर खताब ने अदारे बनाए आपको बाहर नजर आ रहे हैं, सारे गैर मुस्लिम मुआशरे बाहर मिल रहे हैं। तो जो ये इंसानियत जो गैर मुस्लिम मुआशरे में है उनकी इंसानियत को आप क्या नाम देंगे और उसका अजर उनको क्या मिलेगा? अच्छा सवाल है कि उनकी इंसानियत को हम क्या नाम देंगे? छुपा सकते हैं उनका बड़ापन है उमर लॉ के तौर पे, उमर के लॉ के तौर पे वो ड्रॉप कर रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं बदला, नाम नहीं बदला उन्होंने। बड़ी खूबसूरत बात, इंतहाई ममनून सवाल, ये सवाल इस सवाल का जवाब ना ले हमें कलाम सुनाए, बड़ी मुश्किल से हुआ सारा सिलसिला ठीक। डॉक्टर साहब जो है ना ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे उस्ताद हैं। हाजी साहब आप हमारे बुजुर्ग हैं, उस्ताद हैं, आगा साहब बुजुर्ग हैं, उस्ताद हैं, लेकिन ये माहौल इतना आप लोगों ने हमें खानदानी बनाकर यहाँ पर दिया है कि मुझ जैसी ना चीजें जो है वो जरूरत करती हैं आप लोगों के साथ मजाक करने की। माशाल्लाह माशाल्लाह उस्ताद तो हूं, मैं 40 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो वही मसला होगा उस्ताद। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इसी मजाज के साथ सलामत रखे। ये बड़ी तालीम होती है, बहुत तालीम होती है माशाल्लाह। लेकिन फिर भी जाते जाते एक दफा बता दे कि उनकी जो इंसानियत तो उसको क्या नाम देंगे? देखिए इसके लिए साफ वादे है कामे बेटा, और उनको अजर क्या मिलेगा? अल्लाह ताला दुनिया में इन नेकियों के बदले में उन्हें और सिला अता करेगा, दुनिया में आखिरत में नहीं, आखिरत में नहीं मिलेगा। स्कूल ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया इसलिए मुसलमान निकला देते, और एडमिशन लेने के लिए कलमा जरूरी है। हातिम ताई का भी नाम कितना मशहूर है सखावत की वजह से, ज़ाहिर वो बहुत सख्ती थे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। हमें ज़रा स्टडी बाद में करना चाहिए टॉपिक भी,
कि एक मरतबा एक जलसे में सवाल पूछा गया कि एक बंदा 9 दरवाजे बदल बदल कर हातिम ताई के पास पहुंचा, हातिम ताई ने तमाम मरतबा उसको पैसे दिए। तो पूछा गया सवाल पूछने वाले से, हमारे नबी का कोई ऐसा वाक्या है? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, हमारे नबी तो एक मरतबा में ऐसा दे देते थे कि दोबारा किसी और दरवाजे का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसे दूसरे दरवाजे की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक डॉक्टर साहब, एक सेकंड। हातिम ताई से मुताल्लिक एक जुमला जैसे आपने नकल किया और इनके सवाल का जवाब भी उसी के अंदर, कि उस हातिम ताई के बेटे से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारे बाबा की, तुम्हारे वालिद की सखावत की वजह से उनके ऊपर से खुदा बंदे आलम ने अजाब को हल्का रखा हुआ है। यानी ये सनद बनती है कि खुदा रहमान भी है और रहीम भी है। बेशक तो रहमान सबके लिए है, रहीम मुसलमान। नाज़रीन, आप लोगों से मुलाकात होगी आज इंशाल्लाह 4:05 पे। इसी के साथ मैं आपकी तरफ चलूँगी। और आपका वक्त हमने लिया, हमारे हमें माफी है। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कलाम की द्वारा बिस्मिल्लाह, तो वो द्वारा कलाम में पेश करूंगा। बिस्मिल्लाह। दम दम अली 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 कर, हर दम अली 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 कर। दम दम अली 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 कर, हर दम अली 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 कर। दम दम अली 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 कर, हर दम अली 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 कर। ये मेरे साथ मिलके पढ़वाइएगा एक कलाम आप। दम दम अली 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 कर, हर दम अली 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 कर। काम तेरे सब बन जाएंगे, काम तेरे सब बन जाएंगे, बात मेरी तू मान अगर। दम दम अली 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 कर, हर दम अली 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 कर। दम दम अली 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 कर, हर दम अली 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 कर। रब ने नबी को मेरे बात ये बताई है, बात ये बताई है। काम अली का मेरे उकदा कुशाई है।